बहुत बहुत स्वागत है आपका, आने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं द ह्यूमन बॉडी, कि ये ह्यूमन मशीन क्या चीज़ है। हमारे आसपास हर चीज़ किसी न किसी प्रकार की होती है, लकड़ी, लोहा, पत्थर। अब हम इंसान गाड़ियाँ बना लेते हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, और जो जो इन्वेंशन माइंड में आती रहेगी वो मनुष्य बनाता रहेगा। तो हर एक चीज़ की एक फॉर्म होती है। हम मनुष्य कहते हैं खुद को, एक शब्द दिया है हम लोगों ने, पर हम किस प्रकार की मशीन हैं? अगर हम इस चीज़ को समझ सकेंगे तो ये जानेंगे कि मशीन हमारी काम करती कैसे है, ये मशीन किस लिए इस धरती पर है, और इस मशीन का फ़ायदा क्या है, इस मशीन के होने पे हम क्या हैं, हम खुद को क्या आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं। हर एक वस्तु, जो कोई चीज़ है, वो हमें लगता है। हम अक्सर देखते हैं बड़े रंग बिरंगे फूल होते हैं, उसमें खुशबू होती है, वो दिखती नहीं। बड़ी मज़े की बात है, उस खुशबू को महसूस करने के लिए यंत्र हमारे अंदर लगे हुए हैं। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम मुस्कुरा देते हैं, एक यस और नो का बटन होता है ना, कंप्यूटर में आता है, तो हमारा यस का बटन ऑन होता है, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ऐसे नो का बटन भी लगा होता है, हमें अगली फेस बना लेते हैं। ऐसे ही फ्लाइट मोड लगा होता है, जैसे कंप्यूटर कई बार हैंग कर जाता है, ऐसे हम भी हैंग कर जाते हैं, जैसे परेशान है दिमाग, सूझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है। तो कमाल की मशीन बने हैं हम खुद को जाने, ये बड़ी कमाल की बात होती है। एक बार एक साइकेट्रिस्ट थे, बहुत बड़े, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत चीज़ें संसार को दी हैं हमारे साइकोलॉजी के तौर पर। वो भारत देश आए, तो भारत देश पर आकर उनसे पूछा गया, जी आप क्या काम करते हैं? बोले, हम लोगों को समझाते हैं, उनके बारे में समझते हैं, फिर उनको बताते हैं आपके अंदर ये कमी है, आपको ये करना चाहिए, आप दुखी हो, आपका ये कारण है, इस तरह करोगे ये ठीक होगा। बोले, आप कमाल करते हैं, क्या जाते हैं आप दूसरे को? बोले, तो हमारी कलाकारी है, तो बड़ा आसान काम। बोले, आप खुद को कितना जानते हैं? वो साइकेट्रिस्ट चुप हो गया, बोला, यार बड़ा विचित्र प्रश्न पूछ लिया। बोले, खुद को कोई क्या जान सकता है, खुद को जानने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। बोले, एक है महर्षि रमन, इस नाम से हुए हैं, दक्षिण भारत में हमारे बहुत मशहूर, उन्हें भगवान का अवतार माना गया है। बोले, महर्षि रमन है। बोले, कोई खास दिखते हैं? बोले, ऐसे पतले दुबले आम व्यक्ति हैं। बोले, क्या खासियत है? बोले, खुद को जानते हैं। बोले, उनसे मिल के आओ। अब वो कलकत्ता गया घूमने, दिल्ली आया, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखे, हर जगह सुनने को मिला एक ऐसा आदमी है जो खुद को जानता है। बोले, उससे मिल के आओ, तुम तो संसार के इतने महान ज्ञानी, विद्वान, साइकेट्रिस्ट हो, तुमने किताबें लिखी हैं, तुम इंसान के बारे में उसे बताते हो, सुधारते हो उसकी बुद्धि। उसको डर लगा। बोला, जो व्यक्ति खुद को जानता है उससे कैसे मिलो? हर व्यक्ति दूसरे को जानने में लगा रहता है, हर व्यक्ति दूसरे को जनवाने में लगा रहता है, हर व्यक्ति दूसरे का झूठा जानने में लगा रहता है, अपने को जानने की कोई मेहनत नहीं करता। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। उनके बारे में मशहूर है कि उनके साथ जानवर हो जाते थे, उनके पास इतनी शक्ति थी, महर्षि रमन्ना भी कहते हैं, रमन भी कहते हैं, कि उनके साथ रहने वाले गाय, कुत्ते, बिल्ली, सांप, वो भी इकट्ठा रहते थे सब प्यार से, ओनली लव। इतने कमाल की उनकी बुद्धि थी और ऐसे एनलाइटनमेंट थी कि एवरीबडी हैड एन अट्रैक्शन समथिंग, तमिल। तो बड़ा घबराया कि ऐसा व्यक्ति, वो उनसे मिले भी ना चला गया। बोले, जो खुद को जानता उसको उससे क्या मिलूंगा? खुद को जानने से डरने वाला व्यक्ति दुनिया को ठीक करता था, और वो खुद को जानने से डरता है, क्योंकि जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमारे जीवन के रहस्य समाप्त हो जाते हैं, कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सुख समाप्त हो जाते हैं। फीलिंग के नाम पे मैं क्या हूं ये पता चलता है। एक कमाल की चिंगारी, एक कमाल की बैटरी है मुझ में, जिसकी वजह से मैं शरीर को
दौड़ा रहा हूं या दौड़ा रही हूं। इस शरीर की मैन्युफैक्चरिंग कमाल तरीके से हुई है, धरती से हुई है, धरती के ही तत्वों से हुई है, और हम सब स्पीशीज में ये कमाल की शक्ति है कि हम अपने आप को पुनः जीवन दे सकते हैं। एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर नहीं बना सकता। हम लोग स्वयं को जीवित रखने में सक्षम है, लड़ने में सक्षम है, हम कमाल है। मनुष्य के तौर पे हम ये बातें करने में सक्षम है जो बातें अभी हम कर रहे हैं। और समझ नाम की एक चीज दी है, कमाल की हार्ड ड्राइव है हमारे अंदर। कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दो, अनलिमिटेड जा सकता है और उसके बाद इवॉल्व हो सकता है। एक हार्ड ड्राइव के अंदर अनगिनत जानकारियां, अनगिनत बातें, और ये हार्ड ड्राइव सबकी हार्ड ड्राइव से जुड़ी हुई। सबके पास सेम आंख नाक कान मुंह, सबके पास सेपरेट सॉफ्टवेयर। एक के भी फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते, यानी हम सब ही कहें यूनिक। कितने कमाल की बात है, कितने प्राउड की बात है कि हम एक ही हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं। हम दूसरे को देख के बड़े दुखी होते हैं ना, हाय वो कितना सुंदर है, हाय वो कितना अच्छा है। वो जैसा है वो है और वो वही रहेगा, उसके जैसे ना आप बन सकते और ना आपके जैसा कोई और। इसलिए हमारी यूनिकनेस में हमारा गजब का सौंदर्य है। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या, हम इतनी विकसित मशीन होकर के और मशीनों की, जो और मनुष्य हैं, उनकी देखा देखी अपने अंदर कुछ समस्याएं पैदा कर लेते हैं और जीवन नरक कर देते हैं। जैसे 10 लोग चल रहे हैं ऐसे ही 11वां चाहता है, जैसे 1 लाख चल रहे हैं लाख 1वां चाहता है। जीवन के नॉर्मल सिद्धांतों को हम समझते हैं, यही है बस, ऐसे होता है या वैसे। हम सब यूनिक हैं। अपने अंदर को जान लेंगे, अपनी मशीन को समझ लेंगे, तो हम कमाल कर सकते हैं। हम इस जीवन में धरती पर पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं हुए। पैसा एक जरिया है जिसके थ्रू हम जीवन जिए। हम इस धरती पर मरने के लिए पैदा नहीं हुए। मृत्यु एक जीवन का गोल है जहां जाके हमें पूर्ण होना है और पुनः रीस्टार्ट करना है। रीबूट का बटन होता है ना, रीस्टार्ट। हम इस धरती पर इसलिए पैदा नहीं हुए कि हमें दुखी होना है। वो तो हम सारे समय मूर्खता करते हैं कि सुखी होना है, इसलिए दुख आता है। जैसे ही हम और शब्द से परिचित होते हैं, और चाहिए, उसी टाइम दुख शुरू। जैसे और आया, इनकम्प्लीट हो गए। जैसे इनकम्प्लीट हुए, दुख शुरू। तो हमारी मशीन क्या है, इसको समझेंगे आज हम। और ये मशीन काम कैसे करती है, इस मशीन को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, इस मशीन के थ्रू कुछ भी कैसे किया जा सकता है। और जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो दुख कहां गया, जीवन मुट्ठी में होगा। तो हमारे शरीर की संरचना जानने के लिए हमें बहुत जरूरी है जानना कि ये शरीर बना कैसे है। ये शरीर धरती के अंदर एक माता और एक पिता, उनके द्वारा दिए गए एक एक सेल से बना। एक स्पर्म, एक एग, ये दोनों जुड़े। अब उस समय उसके साथ जुड़ा कुछ और, उसके साथ जुड़ा माता और पिता की भावना। ये भावना बड़ी कमाल की चीज है। ये भावना कहां दौड़ती है, फीलिंग, इमोशन, थॉट, अलग अलग किस्म की है। ये भावना कहां दौड़ती है, ये भावना हर जगह होती है। अभी रिसर्च चल रही है कि कृष्ण ने जो गीता के शब्द कहे हैं वो इस ब्रह्मांड में हैं कहीं, उनको खींचा जाए और देखा जाए कहां है। सोच आ गई है तो ये भी एक दिन सत्य हो ही जाएगा, क्योंकि जो सोच में है वो सत्य है और नहीं तो हो जाएगा, ये पक्का है। हो सकता है एक समय ऐसा भी आए, हम महाभारत भी देख लें, पास्ट और फ्यूचर देख लें, ये सब बड़ा आसान है। हम थोड़ा सा 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे या 10 दिन आगे कुछ कुछ सोच लेते हैं कभी कभी, तो शक्ति है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। हमारा सॉफ्टवेयर और रिडिफाइंड हो जाए तो हम ये कर सकते हैं। बहुत से लोग करते हैं, मैं तो बताता हूं भविष्य डेटें देता हूं, तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, दिस इज 100% पॉसिबल। मैंने कई लोगों को खुद हैरान परेशान होकर के परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताई कितने आएंगे, किस डेट पे एक्सीडेंट होगा, कौन सी हड्डी टूटेगी, तुम्हारे तिल कहाँ है, एंड सो ऑन। और कैसे एक्सीडेंट के बाद गाड़ी अपने ऊपर से मार के फेंक दोगे, ये भी बताया। ओह माय गॉड, गाड़ी फेंकनी है, बहुत कुछ होता है।
बहुत कुछ बताया, पर तुक्का है ये, मैं ये मान के चलता हूँ, बट ये मान के चलिए कि ये पॉसिबल है। तो ये मत सोचिए हो नहीं सकता, आप कर नहीं पा रहे ये सोचिए, क्योंकि आपने अभी खुद को जाना ही नहीं। तो खुद को जानो, आपके अंदर भावना नाम की चीज, फीलिंग नाम की चीज माता और पिता के साथ साथ ट्रेवल करती है, उस बीच में आती है, वो भावना उस एक एक सिंगल सिंगल सेल को भर देती है। उस भावना के साथ आपको एक शरीर मिलता है, वो है सूक्ष्म शरीर यानी बैटरी। वो बैटरी बीज के तौर पे आप में आती है, वो शरीर दिखता नहीं क्योंकि वो महसूस करने वाली चीज है। खुशबू महसूस की जाती है, मीठा महसूस किया जाता है, तो हमें महसूस करने वाला शरीर भी है जो हमें महसूस करवा सकता है। फिर उस शिशु उस बच्चे को में ग्रोथ देने के लिए माता के थ्रू जो भी उसका नरिशमेंट होता है, उसको एक महसूस करने का शरीर मिलता है। ऐसा कहते हैं माँ जो खाती है सोचती है, वो बच्चा वैसा ही सब सीख जन जान जाता है। तो वो शरीर भी मिलता है, कितने सारे शरीर मिलते हैं, कितनी सारी डायमेंशन है, कितनी सारी चिप है। मानसिक रूप से बच्चे को ग्रोथ देने के लिए, इमोशनल ग्रोथ देने के लिए, फीलिंग रीड करने के लिए, संसार को महसूस करने के लिए, और इन सबको लपेट के कैरी करने के लिए ये बॉडी दे दी जाती है। हम बहुत बड़ा बड़ा घर ढूंढते हैं, बड़ा सा घर बनाएंगे यार, खूब सारे पैसे इकट्ठा करेंगे, हम 10-20 साल लगा देते हैं पैसे इकट्ठे करने में, फिर कहते हैं हम एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे किससे? इस बिल्डिंग से? पैसे इकट्ठे करने के दौरान, बच्चों को डांटने डपटने के दौरान, अपनी जिंदगी सेट करने के दौरान, बड़ी बिल्डिंग घर बनाने के दौरान ये बिल्डिंग खराब हो जाती है, एंजॉय कैसे करोगे? एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि 20 साल हमने पहले मैसेज भेजा, 20 साल बाद एंजॉय करेंगे। अब 20 साल की एंजॉयमेंट का कोटा चला हुआ है, हम कर नहीं रहे, हमें उसी समय करना है। भगवान का बड़ा सिंपल सिद्धांत है, मान लीजिए यहां गंगा बह रही है, ये बह चले जा रही है, यहां से चली चली आगे चले जा रही है सारी। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, इसके पास एक छोटा सा ग्लास है, वो जाता है भागकर यहां से एक ग्लास पानी भर लेता है, पीता है, नहाता है, क्या करता है, जो भी करता है, मर्जी इसकी, पानी मिल गया। दूसरा व्यक्ति है, उसके पास बहुत बड़ी बाल्टी है, वो बाल्टी लेके जाता है, बाल्टी भर के ले आता है। तीसरा व्यक्ति जाता है बहुत बड़ा कंटेनर लेके, वो इसमें पाइप लगाता है, थोड़ी देर में कंटेनर भर जाता है, एंडलेस सप्लाई है, जम के भर लेता है। चौथा व्यक्ति कहता है मैं पूरे के पूरे कुएं भर डालूंगा, वो भी भर लेता है क्योंकि एंडलेस है। अब एक व्यक्ति कहता है कि मैं यहां से चला, यहां से कुछ लेने गया और मुझे मिल नहीं रहा, जो हम अक्सर कहते हैं ना, कब से मांग रहे हैं भगवान से यार, दे ही ना। गंगा बह रही है, भगवान ने फ्री फ्लो दे रखा है, सबको देने के लिए दे रखा है, लो तुम इस प्रकार की मशीनों बेटा, तुम्हारे लिए फ्री फ्लो है। अब कुछ बच्चे ऐसे परेशान है, मैं अपना कंटेनर ले जाता हूं, भरता ही नहीं, तो या तो कंटेनर फटा हुआ है, छलनी बन गया उसका तला, उसमें से सब लीक कर जाता है, जो अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब 1 तारीख को पैसे आए नहीं, 2 को गायब, ये बहुत बड़ी समस्या है भाई, बस प्रेम जरा सा हुआ नहीं लड़ाई शुरू, नौकरी पे पहुंचे नहीं 3रे दिन से बॉस ने तड़पाना शुरू, यानी हम प्रेम में तड़प रहे हैं यार, पलट के वो मिल नहीं रहा, तो तले में छेद है, या हम यहां तक जा नहीं पा रहे, हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं, साथ जी रहे कि हम गए थे, भरा था, भरा भरा था नहीं एक्चुअली, तो हमें बेवकूफ बनाने वाली बॉडी भी है, जो हमें फ्री फ्लोइंग ईश्वर से कनेक्ट नहीं होने दे रही, और हमें लग रहा है हम कनेक्ट हो रहे हैं, हो नहीं रहे, हमें लगातार बस लग रहा है, हो नहीं रहे। तो हमारी बेवकूफी का मुद्दा सोचिए, कितनी ज्यादा बुद्धि में खालीपन है। हम एक शरीर जो बना है हमारा, इसमें 99.8/9 खाली स्पेस है, एम्प्टी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उस कुछ नहीं में क्या है? एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, ब्लिस बॉडी, फीलिंग्स भरी हैं, थॉट्स भरी हैं, विचार भरे हैं, इमोशंस भरी हैं, बस वो इस बॉडी के अंदर तड़प रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हिलोरे ले रहे हैं, और ये बॉडी परेशान हो रही है, हमारी बिल्डिंग खराब हो रही है, जिस बिल्डिंग को छोड़ के हमें जाना है, और जिस बिल्डिंग को हमें भगवान ने 60-80-100 साल के लिए दिया है,
जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ ऑब्सोलीट हो जाएगी मशीन हमारी कुछ साल के बाद, और ये बिल्डिंग हमारी खराब हो रही है, और हम इस बिल्डिंग के साथ क्या कर रहे हैं, 20 साल एक ही काम, किस लिए गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इसके अंदर जो भरी हुई है ना एम्प्टी स्पेस, इसमें हमने क्या भर लिया है, कूड़ा, करकट, सपने, उलझुल फीलिंग्स, लोगों के द्वारा आए हुए विचार, और कोई एक दो तीन विचार ऐसे जिन्होंने हमें पागल कर रखा है, वो जाते ही नहीं। अब वो क्यों नहीं जाते और कहां हटके और कैसे हटेंगे, अगर ये पता चल जाए तो कितना मजा आए, खुद ही झाड़ू मार दो जब मर्जी, नहीं जाने भोगने, भोगने के लिए क्या करना है, स्विच कैसे तेज करना है वो जान लो, कितना मजेदार है। ह्यूमन बॉडी की मशीन, शरीर के तौर पे सबको पता है, उंगलियां हैं, हाथ है, नाक, कान, एक्स वाई जेड, अंदर किडनी और ये और वो है, सब कुछ है। असल में जो हमारी बॉडी को जिंदा रखती है वो है एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस में क्या है, इस एम्प्टी स्पेस में गोल गोल चक्र बने हुए हैं, एस्ट्रल चक्र, यानी आप कल्पना कीजिए गोल गोल गरारियां। मैं थोड़ा समय ले पाऊंगा बनाने में क्योंकि मेरी ड्रॉइंग बहुत ज्यादा अच्छी है। टिप्पणी नहीं दी किसी ने भी, क्या बनाया है पिकासो, बेहोश है, नहीं नहीं तो हो जाता। इंटरस्टेलर का, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, बहुत सारे पॉड्स थे उसमें, 1 2 3 4 5 6 7, हम मुख्य तौर पे 7 चक्र लेंगे क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक हम हैं और 7 मुख्य और हैं। टोटल 12 राशियां हैं, तो एक 12 की फिगर बहुत काउंट करेगी, एक 7 की राशि काउंट करेगी, यानी 7 प्रकार। तो 7 मेन चक्र, वैसे हमारे बॉडी के अंदर 88,000 चक्र हैं, लेकिन हम 7 मुख्य लेते हैं जो पापा चक्र हैं, जिनके वजह से सब कुछ चलता है। ये चक्र जैसे इंजन होता है कार का, उसमें गरारी होती है, जब गियर बदला जाता है तो पहले गियर के ऊपर सबसे भारी गरारी होती है, तो वो गाड़ी को, बहुत भारी गाड़ी को स्टार्टिंग देती है। फिर स्पीड बढ़ाते हैं तो 4 गरारी है तो 10 हो जाती हैं, फिर 15 होती हैं, 20, तो गरारियां घटती जाती हैं, गरारी इस गियर ऐसे अटकता है एक के ऊपर एक, ये रोटेट करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलता है, गियर बॉक्स कहते हैं जिसको, गियर्स। तो गियर की गरारियां छोटी बड़ी ऐसे चलती हैं। हमारी बॉडी के अंदर चक्र हैं जो गरारियों की तरह बने होते हैं, ये वो एम्प्टी स्पेस भरने वाली गरारियां हैं जो इस शरीर के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, इसके थ्रू भी हैं, बस ये शरीर है तो वो 7 जरूर हैं, अगर ये शरीर नहीं है तो वो नहीं है। तो ये शरीर नष्ट हो जाता, वो नष्ट नहीं होती, तो वो सारे समय शरीर को पाल भी सकती हैं और मार भी सकती हैं, इन गरारियों का खेल है सारा। अगर हमने ह्यूमन बॉडी में इस चीज को जान लिया तो बीमारी हमारे जेब में, तकलीफ आउट एनी टाइम, जितना मर्जी है, पानी बनाया था ना सप्लाई, जितनी मर्जी ले लो। जिनकी ये सेट है वो पास हो जाते हैं आईटी में, जिनकी ये सेट है अंधा पैसा, अंधी सप्लाई, पाइप लगा देते हैं सीधा वो गंगा से, अंधा धुंधा आता रहता है, फालतू पैसा पड़ा है, फालतू सुख पड़ा है, फालतू सक्सेस पड़ी है, कुछ भी फालतू, एंडलेस सप्लाई है, एंडलेस, यू कांट इमेजिन। और जिनका ये अगड़म बगड़म है उनका इतना सा सुख भी अटका हुआ है और उसी की तड़प में बॉडी मर रही है, लगातार करा रही है, छोटा सा घाव नासूर बन जाता है, छोटा सा थॉट मन में क्लेश बन जाता है। ये पहली गरारी होती है हमारी, रूट चक्र कहते हैं इसे, ये हमारे टेल बोन पे होती है, इनका मुख्य चैनल जो है वो हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सीधी स्पाइन, सेम गरारियां, हाँ, जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, इतनी अच्छी ड्रॉइंग की कि मैं सारा बॉडी खा गया, 1 घंटे में लगेगा मुझे बनाने में, अगर मैंने ज्यादा कलाकारी दिखाई। सिमिलरली इसकी 4 गरारियां हैं, इसकी 6 हैं, ये 10 हैं, 12 16 पेटल्स कहते हैं इनको, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं पेटल्स, 4 पेटल लोटस, 6 पेटल लोटस, 1000 पेटल लोटस। ये लोटस, लोटस क्या मतलब, ऐसे ऐसे पंख होते हैं ना लोटस के, फूल के, वो 4 है, 4 गरारियां हैं, ये इमेजिनरी है, ये शरीर के अंदर चक्कर है जो घूमता है। हमें रूट दी गई, रूट इस धरती, धरती भूमि,
जिस भूमि से हम जुड़े हैं, जिस भूमि से पैदा हुए, वो सबसे पहली भूमि है, रूट है। रूट इज सर्वाइवल। हमारे जीवन में सर्वाइवल के लिए जीना हमारे लिए सबसे जरूरी है। वी नीड टू सर्वाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को रहने के लिए, अपने आप के लिए हमारा एक चक्र काम करता है। ये सबसे पावरफुल है, ये पहला गियर है कार का जो बड़े से बड़ी वजनी से वजनी गाड़ी को भी धकेल देता है। अगर ये ऑन नहीं है, सब खत्म। मृत्यु के समय तक अगर ये भी अकेला चलता रहे तो थोड़े थोड़े सब ये चलते रहेंगे। ये उड़ा, सब उड़ गया। जिसने जीते जीते इससे जुड़ी भावनाएं उड़ा दी, उसका सब उठ गया। जीते जी हम इसको उठा नहीं पाते क्योंकि हम इस चक्र में बड़ी बुरी तरह फंसे हैं। ये माया का चक्र है। माया क्या है? भूमि। भूमि है धरती, धरती है इच्छा, लोभ, लालच, चाहिए। इसके पास सर्वाइवल है, सर्वाइवल है रहना है। ये कैसे ऑन होता है? फियर से। जब हमारे अंदर का 99% हिस्सा फियर से भरा होता है, हम कहीं गए, हमने भूत को देखा, कहां देखा? अंदर देखा, पता नहीं कहां देखा, पर देखा। आंखों से नहीं देखा पर दिख रहा है। भूत सामने नहीं है लेकिन है। कहां है? उस 99% जगह पे, विचार में, हमारी आत्मा में। कोर्ट जा रहा है कोई, पहले डर रहा है, पता नहीं क्या होगा। वो भावना अंदर 99% नाच रही है। शादी से पहले एक व्यक्ति बहुत एक्साइटेड हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, बुरा तो नहीं होगा, वो फियर, वो नाच रहा है। हर समय बाद में क्या होगा डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा। जैसे ये ऑन होता है, ये चक्र ऑन हो जाता है। सारी एनर्जी पहले गियर पे होती है। पहले गियर पे होने से गाड़ी सबसे ज्यादा तेल खाती है। स्टार्टअप लेने के बाद गाड़ी को स्पीड में आना बहुत जरूरी है, तो सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, बड़े मजे में गाड़ी चलती है। आगे के गियर चेंजिंग का झंझट आउट। जब तक हमारे मन में उस 99% बॉडी के अंदर फियर फंसा हुआ है, आपका जीवन यहीं फंसा रहेगा। ग्राउंडेड टू योर रूट्स, आपको यही लगा रहेगा यार फंसे हुए हैं, पता नहीं। आप अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, आप धनवान नहीं बन पाओगे, मस्ती नहीं कर पाओगे, ऐश नहीं कर पाओगे, मौज नहीं कर पाओगे, चीज है उसका मजा नहीं ले पाओगे। 24 आवर इस चीज में घुलते रहोगे, हाय पता नहीं क्या होगा। और वो चीज जिसके लिए आप सोच रहे हो, वो यहां से कनेक्ट होगे क्योंकि आपकी है ना, आपकी चीज है, वो वहां अटकी रहेगी, वैसी फंसी रहेगी, वो बढ़ नहीं पाएगी, प्रेम नहीं बढ़ पाएगा। कोई प्रॉपर्टी ले ली, प्लॉट के पैसे नहीं बढ़ेंगे, डर है। आप 99% इस चीज से भरे हो, पता नहीं यार क्या होगा, पैसे का क्या बनेगा, बच्चा पता नहीं डॉक्टर बनेगा इंजीनियर, फियर फियर के साथ। तो सर्वाइवल की चिंता आपको जब तक अपने जीवन में यही चिंता खाई रहेगी, पता नहीं भविष्य का क्या होगा, ये भविष्य से जोड़ के रखता है हमें। जब तक भविष्य की हाय हाय में लगे रहोगे, आप इस चक्कर से ऊपर नहीं उठोगे। खुद को जानो कि आप यहां काम कर रही हो। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट वर्टिब्रे टेल बोन के ऊपर होता है ये चक्र। शरीर के पिछली तरफ होता है, यहां एनस होता है, एनल ओपनिंग, यहां से हम एक्सक्रीट करते हैं। शरीर को साफ करने की क्रिया यहीं से होती है। यहां इस चक्र में एक कुंड होता है, कुंड इज रेक्टम। रेक्टम जहां से हम पॉटी निष्कासित करते हैं, वहां एक बहुत बड़ा कुंड है। ऐसा ही एक कुंड ऊपर है, ये स्त्री के पास होता है, यूट्रस। कुंड इज बॉक्स। ये एलिमिनेशन का है, त्यागने का। यदि ये चक्र सही काम करता है तो आपको शरीर की हाजमे की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप किसी इस प्रकार के फियर में फंसे हैं तो आपका पेट ही साफ नहीं होगा, आपको फियर ढूंढ के मारना है। अगर आपने फियर मार दिया तो आपका पेट ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं, लूज मोशन से परेशान होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, कोई ना कोई फियर फंसा हुआ है। फियर कहिए, फियर के फॉर्म्स अलग अलग है, झंझट कहिए, लफड़ा कहिए, टेंशन कहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चाहत, ऐसा डर आपने बांध रखा है जो 24 घंटे आपके अंदर एक बटन ऑन किए बैठा है। इसके पास ग्लैंड्स हैं, शरीर के हिस्से हैं, स्वर है, वाणी है, विचार है, इन सब चक्र के पास हमारा सब कुछ है। ये रूट है, धरती है, जमीन,
इस जमीन पर हम खड़े हैं तो हम हैं। जमीन के ऊपर क्या होता है? पानी, वाटर, यह है अर्थ। इसके पास हमारा थीटा ब्रेन है। कई जन्मों तक जो शरीर आत्मा के साथ आगे भागता है, चलता है, वो ये थीटा ब्रेन है। आप एक जन्म के संस्कार आगे तक चलाते हैं। आपको बचपन में जिस प्रकार के संस्कार होते हैं वो टूटते नहीं। नया कुछ करते नहीं हम, वीरवार को बाल नहीं कटाते, कपड़े नहीं धोते, ऐसे करते वैसे करते, बड़ों के पैर छुलो, पेपर देने जाना बेटा, जैसे ही ये करते हैं, चूंकि हमारा रूट चक्रण है, मम्मी बोलती है मान लेते हैं, पापा बोलते हैं, जैसे ही रूट चक्रण होता है फियर ऑन हो जाता है बच्चे में, पेपर में रिजल्ट खराब। नेचुरली होगा ये, थीटा ऑन कर दिया आपने। अगर सिर्फ इसलिए पैर छुए के छूते रहते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है? नो फियर ऑन, कोई रिजल्ट खराब नहीं होगा, उस पर इंपैक्ट नहीं आएगा। बच्चा इस पर अपने चक्र अपनी एबिलिटी से परफॉर्म करेगा, वैसे मार्क्स लाएगा। इसलिए जबरदस्ती पैर छुआने, जबरदस्ती दही खा ले बेटा, क्यों? ये सोच के कि इससे कुछ अच्छा होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि फियर है? फियर हो जाने से सारा तेल यहां फूकता है। टू मच प्रेशर, टू मच लोड। इसके ऊपर क्या होता है? पानी। जमीन के ऊपर जल होता है। यही हमारा चक्र जो फॉरवर्ड से आगे की ओर, इसमें लिंग है, योनि है, इसके पास किडनीज है, सेक्सुअल पावर है, यूरिनरी ग्लैंड्स हैं, हमारे शरीर का सारा पानी छानकर त्यागने की शक्ति है। हमारे शरीर में जरा सी आग होती है, पर वो आग इतनी भयानक होती है कि जला देती है पूरे शरीर को, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहते हैं। शरीर में इतनी अग्नि है, जरा सी है, 4% होती है सिर्फ। 72% जल होता है हमारा, 4% आग, पर वो 4% आग इतना हमें फूक के रखती है कि प्यास, पसीना, शरीर लगातार पानी बैलेंस करने में लगा हुआ है, वो पानी ये है। क्योंकि इसकी बैलेंसिंग नहीं होती और अंदर आग होती है, आग मींस पागलपन हो जाता है। तो किसी भी विचार की फीलिंग वाले उस बक्से को 99% को हमने किसी प्रकार की टेंशन क्लेश से भर दिया तो हमारे पानी को सुखा देता है, हमारा आई ब्रेन टूट जाता है। आई ब्रेन टूटने से अक्सर लोगों को कैंसर होता है। कैंसर शरीर का होता है, मन का होता है, कोई ऐसा रोग लग जाता है जो कैंसर की तरह होता है। दिमाग को काम ही नहीं हो रहा, बिजनेस कर रहे हैं 20 साल, रिलीफ ही नहीं आ रहा, किसी को प्यार से समझा रहे हैं उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, वो कैंसर है जीवन का, क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। वाटर चक्र, वाटर इसके ऊपर, इसमें 6 गरारी होती है। इसके 4 के मूव करने से ये 6 और स्पीड से मूव करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो फ्री फ्लोइंग वाटर है, सारे शरीर में पानी घूम रहा है 72% गोल 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 गोल, वो पानी को घुमाने के लिए हमारे रूट चक्र का काम करना बहुत जरूरी है, और वो सही काम करेगा तो ये सही घूमेगा। पानी शरीर में सही गति से घूमेगा तो तूफान नहीं आएगा। सॉल्ट और वाटर का बैलेंस शरीर में ठीक रहेगा तो सुनामी नहीं आएगा। ये मैं पहले बता चुका हूं, सुनामी इसलिए आता है क्योंकि पानी ज्यादा हो जाता है, सॉल्ट कम, तो समुद्र एक्स्ट्रा पानी जमीन पे फेंक देता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हर एक थॉट को न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है? नमक मरे हुए व्यक्ति को, लाश को भी सड़ा के गला के धरती बना देता है, गायब। अगर हमारे अंदर के विचार जो पानी में चलते हैं सारे, गंदे, अच्छे, सही, बुरे, वो गलते नहीं, न्यूट्रल नहीं हो, न्यूट्रलाइज नहीं होते, इतना नमक नहीं है, इतना थॉट ऐसा नहीं है कि न्यूट्रलाइज हो, तो वो पानी हमारे शरीर को फाड़ देता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटी उम्र के, उनको पिंपल्स आते हैं इस वजह से, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते तो वो गर्मी बाहर भागती है। कई बड़ों को भी आ जाते हैं, मुझे भी कल एक आया यहाँ पे, कहाँ गया, मिल नहीं रहा, ओहो चश्मे के नीचे, ओ डंडी ने छुपा लिया। तो आपके अंदर का जितना जल तत्व है यदि वो सही काम कर रहा है तो आपकी सेक्स लाइफ सुधरेगी। अगर नहीं कर रहा है तो सबसे पहला इंपैक्ट देगा यूरिनरी प्रॉब्लम, सेक्सुअल लाइफ, मेंटल लाइफ, इमोशनल लाइफ, और आपकी शांति भंग। आपको ऐसा लगेगा जीवन में अपूर्ण है, क्योंकि पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष तत्व चाहिए। इसके लिए स्त्री और पुरुष मानसिक रूप से तो अपने तत्व सेट नहीं करने लायक होते हम, क्योंकि हम खुद को जानते नहीं। हमारे लिए शरीर बहुत अच्छा माध्यम होता है। शरीर नॉट ओनली बाय इंटरकोर्स, सहवास अकेला नहीं, सहवास तो अंतिम में ब्लिस बॉडी तक अटैक करता है, न भी हो सामीप्य, यानी कि पास होना, सुरक्षा होना, समीपता, प्रेम होना, यदि वो भी स्त्री और पुरुष तत्व पूर्ण करता है तो हमारा ये चक्र प्रॉपरली काम करता है। इसके प्रॉपर काम करने से हमें कैंसर ही नहीं होगा। हठ योग से कैंसर होता है, अगर हम जिद मारे, जबरदस्ती करें
विवेकानंद जी ने हठ योग के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड में अपने सीमन को रोक लिया था, वो सारी ऊर्जा उनकी ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर चली गई थी। अल्टीमेटली उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ और वो उससे मरे, पर वो मरे नहीं थे, ये शब्द गलत आ गया, उन्होंने शरीर त्याग दिया था, क्योंकि शरीर के लिए जीने का उनका मकसद ही नहीं था, जो कार्य करना था किया और एस्ट्रल बॉडी मुबारक उड़ गए। पर जीवित रहते रहते आपके अंदर का स्त्री तत्व या पुरुष तत्व अगर डिस्टर्ब है तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस। पानी वाली एक्सरसाइज मैंने बताई थी, उसको करके पानी को शुद्ध कीजिए, और इसको आगे अगर आप समझते जाएंगे तो आपको समझ आएगा इसकी करेक्शन कैसे होगी। ये चक्र इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ कोइंसाइड करता दूसरा चक्र है थर्ड आय, नीचे से पहला ऊपर से पहला, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा। आपकी थर्ड आई ऑन होगी ही तब जब आप यहां से संतुष्ट होंगे, यानी आपकी कॉमन सेंस ही तब चलेगी जब आपके दिमाग से पागलपन समाप्त होगा, लोभ का, लालच का, और चाहिए का, जोड़ने का। हम और क्यों जोड़ते हैं, डर है, कल के लिए जोड़ लें, परसों के लिए जोड़ लें, अच्छा उसके अगले दिन के लिए, बच्चे की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे के लिए, ये फियर, फियर से जुड़ा हुआ सारा पैसा कूड़े के ढेर में जाता है। अगर डर से है, उस पैसे में डर की वाइब्रेशन चल रही है, अगर हम सेक्सुअली डिससेटिस्फाइड है, अगर हमारे शरीर से निष्कासन नहीं हो रहा, बचा हुआ जला हुआ शरीर का हिस्सा हमारा शुशु पॉटी है, यदि वो निष्कासन सही नहीं हुआ तो शरीर ने जो त्यागना है वो शरीर में रह जाएगा। यहां कुंड होते हैं, एक कुंड इधर है, एक कुंड इधर है, ये कुंड है, इस कुंड की एंजॉयमेंट, आनंद, यानी स्त्री गर्भ धारण कर सके, पुरुष और स्त्री मल त्याग सके। सबको आनंद आता होगा ना सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में, आ तृप्ति हो गई। सोचिए टॉयलेट में आप जब अपने शरीर से मल त्याग देते हैं तो आपके आत्मा तक को शांति पड़ जाती है, शरीर उसको त्यागने को आतुर है, निकलना है, क्योंकि वो जला हुआ अग्नि के द्वारा तपा हुआ, इट इज ऑलवेज येलो, इतना फुकता है, इतना जलता है, इट हैज टू बी थ्रोन ऑफ। और स्त्री के माता बनने मात्र से उसका जीवन चरितार्थ और पूर्ण होता है। ये दो कुंड का पूर्ण प्लेजर इज कुंडलिनी, ये कुंड और इनका आनंद इस कुंडलिनी। हम कुंडलिनी जागृत करने की बात करते हैं, कुंडलिनी जागृत की जाए मींस यहां और यहां के प्लेजर के आसपास 3.5 घेरे में बंधी होती है यहां एनर्जी, 3.5 घेरे, वो लॉक्ड है। जब वो खुल जाती है, स्ट्रेट होती है, तो 7 चक्र में स्ट्रेट अप जाती है, दैट इज एक चैनल से दूसरा चैनल कनेक्ट हो गया। बहुत दूर नदी है, एक पाइप लगाया, दूसरा सारे पाइप लगाया, आपके घर में डायरेक्ट सप्लाई, आपको जो चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, पैसा चाहिए, जब चाहिए जब चाहिए मिल जाता, बटन हल्का खोला बस हो गया ऑन। हम तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, तो कुंडलिनी फंसी हुई है। सर्प के आकार में होती है कुंडलिनी, ये सांप, सांप इज व्हाट, एक मुंह और बाकी टेल, हमारा ये सांप का एक आकार दिया गया है समझाने के लिए, हम भी वही है, ये मुंह है और बाकी टेल है, ये हमारी पूंछ है बहुत बड़ी, हमारी पूंछ में 2 हाथ 2 पांव के तौर पर, लेकिन हमारी पूंछ विकसित है, सांप की पूंछ विकसित नहीं है। सांप इधर 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 चलता है, हम भी ऐसे ऐसे ही चलते हैं, हाथ पांव चलाते हुए, पांव ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, पर हमें सीधा चलना आ गया है। ये सिर जो है, ये सिर ऊपर उठना चाहता है, और बाकी जो बॉडी धड़ है वो यही रहना चाहता है, ये धड़ है हमारा, सब कुछ यही लगा हुआ, सारे स्यापे इसमें है, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर हम इसकी वजह से झंझट डाल लेते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पेट पालना है, फलाना चाहिए, सामान चाहिए, ये नंगा रहता है, इसको वस्त्र भी नहीं चाहिए, इसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसने इसको पागल कर रखा है। अब इसके कौन कौन से चक्र हैं जो इसको पागल कर रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको जान लेने मात्र से करेक्शन कैसे होगी, वो हमारा एक चक्र ऑन होता है, वो हमें करेक्शन भी करा देता है। इसके ऊपर पानी हुआ, इसके 6 गियर्स हैं जो 4 में लग करके उस और अच्छी स्पीड से घूमते हैं, जब ये और अच्छी स्पीड से घूमते हैं तो पूरे शरीर के अहंकार को सेट करते हैं, ईगोस को, मन को, टेंशन को, विचार को। इसको चाहिए होता प्लेजर, इसे सर्वाइवल चाहिए, इसे आनंद चाहिए, मजे, प्लेजर, बस स्वाधिष्ठाना, स्व अधिष्ठाना, स्व मैं,
यहां मैं हूं मैं, आई ब्रेन, ये स्वाधिष्ठाना चक्र है, स्वाधिष्ठाना, जहां मैं हूं, यहां रहता हूं मैं, सारे समय मैं, मेरा मन यही होता है, फंसा हुआ है, ये ऑन होता है तो ही ऑन होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑन है, ये ऑन है ही। जब इन दोनों को, धरती पे पानी है, सोचिए पानी के ऊपर यहां आग मिलती है, दिस इज फायर, फायर चक्र, जब अग्नि मिलती है इसको, तो अग्नि मिलने से ये पानी थोड़ा 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 गर्म होता है, जलता है, इस पानी में तपिश आती है, मूवमेंट आती है, पानी के नीचे आग लगाएंगे तो पानी थोड़ी देर में बुड़बुड़ करता है, उबल जाता है, पानी का स्वरूप बदल जाता है, पानी को छोड़ दीजिए बिना अग्नि के तो जम जाएगा, जम जाएगा तो चलेगा नहीं। जब हम मृत्यु के करीब होते हैं तो हमारे शरीर का जल तत्व जमने लगता है। हम पैदा कैसे होते हैं, ऐसे बच्चा जुड़ा होता है ना, पूरा पैर हाथ जुड़े हुए हैं। बूढ़ा कैसे मरता है, जब कुबड़ निकल आती है तो फिर वो वैसे ही बन जाता है, हाथ पांव जुड़ जाते हैं। तो प्रकृति कहती है जैसे पैदा हुए बेटा वैसे मरो, तो कमर झुक जाती है, घुटने मुड़ जाते हैं, हाथ मुड़ जाते हैं, उंगलियां ऐसे खुलती है, इतनी नहीं खुलती, इतनी इतनी खुलती है, तो धीरे धीरे हम वापिस उसी फॉर्म पे जाने लगते हैं। वो किस लिए, क्योंकि ये पानी को बबल करने के लिए अग्नि प्रॉपर काम नहीं करती, तो शरीर में लचीलापन समाप्त होने लगता है, क्योंकि दिमाग में लचीलापन समाप्त होने लगता है। पानी क्या है, सबसे लचीला, पानी से लचीला क्या होगा, कुछ भी मिला दो उस जैसा, बेस्ट सॉल्वेंट। और इस पानी की क्वालिटी है, ये ऊपर की ओर भी चढ़ता है, एंटी ग्रेविटी, ये क्या ग्रेविटी है ना, यहां ग्रेविटी है, चुंबक चाहिए 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 चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए वाली बात हो जाती है तो आपका चक्र ऑन हो जाता है, आपके पैरों में आके गिरती है चीजें, प्यार भी, पर चाहिए और फिर बोले कुछ नहीं चाहिए, क्या उल्टी बात है, अभी ऊपर पहुंचने तो आ जाएगा। तो पानी ऊपर चढ़ता है, जब आप नीचे जमीन में डालते हैं ना पेड़ की जड़ में, एंटी ग्रेविटी, कमाल का है, ऊपर की ओर क्लाइम करता है। अभी बताता हूँ, पता चल जाएगा आपको, 99% स्पेस हमारी जेब में होगी और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी जागृत करना मींस ध्यान अवस्था, हजारों दसियों हजार घंटे जो ध्यान कर सकता है उसकी कुंडलिनी ध्यान द्वारा जागृत हो सकती है, टाइम किसके पास है, बहुत घंटे दसियों हजार घंटे ध्यान में बैठने का मकसद क्या है। जब आपको लत लग जाएगी, आदत ध्यान में बैठने की, तो आप सांसारिक चीजों से मोह माया से त्याग कर दोगे। जब ध्यान में बैठे रहोगे तो सेक्स की इच्छा किसे करेगी, टाइम ही नहीं है, इट इज टाइम टेकिंग। जब ध्यान में बैठे रहोगे आपके जबान का स्वाद समाप्त हो जाएगा, ये खाना है वो खाना है, चटखारे लेने हैं, उंगलियां चाटनी है, अब मसाला डाल दो, नींबू डाल दो, समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे इन मोहों से त्याग होते रहने से कुंडलिनी अपने आप ऊपर चली जाएगी। मुख्य उद्देश्य क्या है, इन चीजों को यदि आप ऐसे ही जीत सको तो भी जागृत हो जाएगी, बड़ा कठिन है, पर कठिन कुछ भी नहीं है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यस, लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, ओनली देन यू कैन डू इट। हम नॉर्मल लाइफ ही तो जीने के लेक्चर कर रहे हैं और क्या है, एबनॉर्मल तो जीते हम, हाय 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 हाय, बस कुंडलिनी क्या जागृत होगी, लिपटे रहते हैं कि झंझट में, और हमारी 99% स्पेस खोपड़ी खराब रहती है इसी चीज से, क्या करें, हो कहीं राजी नहीं, मांगे भीख नहीं मिलती, यह हाल हो जाता है। जिंदगी हमें हमारे घर में भिखारी बना देती है, हमारा अपना बच्चा हमें नहीं पूछता, कई बार हमें अपना खुद का प्रेम नहीं मिलता, अरे खुद के शरीर का सुख नहीं मिलता कितनी बार। जब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी तपिश चलती है तो ये पानी से हवा बनती है, यह है आग, फायर, यह है विल पावर। किसी भी प्रकार मन को जब हम टेंशन में ले लेते हैं ना, टेंशन यहां होती है, ये प्लेजर है, प्लेजर नहीं होता जब टेंशन होती है, ये फियर से खराब होता है, सर्वाइवल चाहिए, ये खराब होता है टेंशन से, एंजाइटी से, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं वैसा तो नहीं कर लेंगे, वैसा तो नहीं कर लेंगे, प्लेजर समाप्त। सर ये जो ऐसा तो नहीं कर लेंगे, ये तो फियर में ही आया, नहीं, एंजाइटी, डर और घबराना दो अलग चीजें हैं। मैं भूत से डरता हूं पर मैं घबराता नहीं,
मैं परसों घर बंद करके ऊपर होके आया कि भाई देखूं खिड़की तो नहीं खुली ऊपर वाले रूम की, तो मेरे दिमाग है बचपन का रूट चक्र में बंधा होगा, पूर्व जन्म का है वैसे ये, क्योंकि मुझे डर लगता है मेरे पैर ना ढके हो तो, मुझे लगता है भूत आएगा पैर पकड़ लेगा। हालांकि मैं भूतों से भी बात कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ, पर करूं क्या, मुझे पता है थीटा है। तो मैं ऊपर गया तो मैंने दरवाजा, वो लोअर दरवाजा एक्स्ट्रा बनवा रखा है मैंने इधर, तो मैंने उसको खोला तो मैंने देख सोचा ऐसे ही कि सामने बेड पे ना दो चमकती हुई आंखें होंगी और कोई लेटा होगा। असल में 3 दिन पहले पोल्टरगीस्ट नाम की एक मूवी रिलीज हुई है, वो भूत के ऊपर है। अब मेरा बटन ऑन हो गया है, वैसे मैंने एग्जॉर्सिस भी देख रखी है, बट करूं क्या, वो चक्र है ना। अच्छा मैंने देखा यार, फिर मैंने लाइट खोली, मैंने कहा देखो दिमाग क्या मजे ले रहा है। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, जो ऊपर हाथ डाल के सीढ़ी से उतरते हैं यूं फेंकते हैं, तो मैंने कहा भूत हाथ पकड़ लेगा। मैंने कहा फिर से आ गया, बड़ी टेंशन है यार ये क्यों है, पर खैर कभी कभी होता है ये। हाँ हाँ डरना बहुत अच्छा है, डर इज ओके। आप विश्वास करेंगे 2.5 घंटे तक जब तक बेटी घर में बाहर बैठी थी, मैं अंदर नहीं घुस पाई थी हमारे घर, तो हाउ टू गेट इन ऑफिस। मैं बता देता हूँ, मैंने रेडियो रिड ऑफ किया उसको उसी टाइम। तो क्या हुआ जी, तुक्के के बाद मैं घर बंद करके डिनर पे जाना था, दीपक जी के साथ पीछे बैठे हैं, तो मैं डिनर पे चला गया। भाई ब्राह्मण हूँ, फ्री में खाना खिला दे कोई तो बड़ा मजा आता है, ये बिल नहीं लेके राजी। तो मैं बैठा भोजन शोजन कर रहे थे, खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था बिल्कुल, पर फिर भी खा रहे थे, पर क्या करूं टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता ये बता रहा था बार बार दिमाग को। तो खाते खाते उन्होंने बताया कि मेरे फादर आईसीयू में थे। अब देखो कैसे भगवान हाथों हाथ वॉशिंग करता है, ये थर्ड आईसीयू होता है, यहाँ पहुंचेंगे हम। तो बोले मेरे फादर आईसीयू में थे, इतनी देर में भूकंप आया, मैं डर गया कि पापा नीचे चले, डॉक्टर ने बोला चलो मदान साहब भूकंप आ रहा है भागते हैं, ग्लूकोज की बोतलें हिलने लगी, तो शांति से पड़े रहे। बोले क्या करना है, जो भोलेनाथ ने नीचे करना है वही यहाँ करना है, बैठो यार कौन थके। बस उसी टाइम मेरा डोज ऑफ हो गया और मेरा थर्ड आई का बटन ऑन कर दिया इन्होंने। तो मैंने जान लिया, अरे हाँ जब होना जब है और जहां होना है तो वहीं होना है, फिर काहे का रोना है। मैंने कहा अगली बार डरूंगा ना तो ये थॉट लाऊंगा, पर डरूंगा फिर भी नहीं, डरूंगा ये थॉट नहीं लाऊंगा, दो थॉट कर दूंगा तो मारा जाऊंगा। तो डर सकते हैं, घबराना नहीं। अगर आपका ये चक्र सेट है तो इसके होने के बावजूद भी आप घबराएंगे नहीं। अगर आपका ये चक्र ऑन है और ये भी ऑफ है तो आप पैसे जमा करेंगे और घबराते भी रहेंगे। पैसे बहुत सारे हो गए फिर भी घबरा रहे हैं, हाय पता नहीं क्या होगा। एक लड़के ने शादी की, सबसे सुंदर बीवी चाहिए यार, इतनी सुंदर चाहिए कि बस पटाखा। अच्छा बहुत सुंदर पत्नी आ गई, अब उसके बाद अगले दिन से डर, यारे तो बहुत सुंदर है, यारे तो मेरे यार दोस्त, दोस्ती छूट गई, दोस्ती छूट गई उसके चक्कर में। तीसरे महीने से उसका फोन चेक होना शुरू हो गया, गड़बड़ तो नहीं कर रही कहीं कुछ, ये बहुत ज्यादा सुंदर है यार। सोचिए यहां से हमारे अंदर डर शुरू हुआ और घबराहट ले आया। उसका फोन चेक हो रहा है, थोड़े दिनों में उसने बोला ये क्या हो रहा है। उस मासूम को जो बेचारी नन्ही सी कली थी उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, उसे बता दिया गया मुझे शक है तेरे पे। उसने कहा ये भगवान मेरी सत्यता के बावजूद शक, देर सवेर रिश्ते का सत्यानाश। चाहे चरित्र खराब हो ना हो, 99% एम्प्टी स्पेस में घबराहट डलते रिश्ता समाप्त, प्रेम खत्म। ओनली घबराना एंड डरना इस फर्क के कारण। अगर आप घबराते नहीं तो आप धन जमा करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, आपको जब चाहिए आ जाएगा, नहीं आएगा भाड़ में जाए वो आएगा, क्योंकि कल वाला आप जमा करके रखो, चाहे आए, चाहे कल जहां से आना वहां से आए आ जाएगा। कल की सांस कल आई जाएगी, क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी। अरे एक ही तो चक्र है जीवन का, पैदा हुए फिर हमने और पैदा किए, पहले हम जिनके पैदा हुए उनको रुलाया, अब जो हमने पैदा किए उनसे हम रो रहे हैं। चक्र सेम है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता होगी पर उससे होगा कुछ नहीं, ये जानकारी चाहिए। और ये जानकारी के लिए जरूरी है कि ये पानी अग्नि से मिले ताकि तपिश आए। ये अग्नि चक्र है जहां विल पावर है, जहां कॉन्फिडेंस है। अक्सर हम बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, तो नालायक है।
जा, तो बहुत ज्यादा लायक है, कॉन्फिडेंस तोड़ ही देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देते हैं। जब जब हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस होगा, हमारी ईगो ईगो डिस्टर्ब होगी। यहां ओवर कॉन्फिडेंस आया, ईगो, यहां ईगो होती है, आई ब्रेन है ये, ईगो डिस्टर्ब। ईगो डिस्टर्ब होते ही हमें लगेगा मैं तो कुछ हुई नहीं। कई लोग हमें क्यों गुस्सा दिलाते हैं, तू है कौन, कहते हैं यार ये बड़ा गलत पूछ लिया इसने। फिर माइंड फटाफट कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये औकात है, मेरी वो औकात है, मेरी ये मकान है, मेरे पास उसकी फोन नंबर है, मैं उसे जानता हूं, और ये जानता ही नहीं। अब उसे बताने के लिए हम लड़ बैठते हैं। हमारी सबसे बड़ा खतरा तू होता कौन है, तू है कौन, जैसे ये बोला ओ हो, कितनी लड़कियां बेचारी बहुएं घर में क्लेश क्यों पाती हैं। पहले तो अकेली आती है, पति के साथ, घर गृहस्थी सबके साथ, रिश्तेदारों के साथ जीना, फिर उसको सास एक दिन कहती है तू होती कौन है, बस वो तिल मिला जाती है, उसका रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया, मेरे को छेड़ दिया गया, मैं होती कौन हूं, सेक्सुअल चक्र समाप्त, प्रेम समाप्त पति के साथ, ईगो डिस्टर्ब, फायर अपसेट, विल पावर खत्म, ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, रिलेशन कबाड़े में। अब जहां ये प्रेम मिलेगा वहां वो लड़का या लड़की भटकेंगे। पूर्ति चाहिए ना हमें, तो पूर्ति किस वजह से क्रिएट हुई, क्योंकि हम मैं को नहीं जान पाए। जब कोई बोले तू है क्या, कुछ नहीं है तू, तो वो सत्य बोल रहा है, उसे धन्यवाद दो, वाकई मैं कुछ नहीं हूं, अगर वाकई में मैं कुछ होता तो तुझे पता होता। अगर मैं इस लायक, कोई ना कोई सलमान खान को भी कह सकता तू है कौन, जो पहचानता ही नहीं होगा, तो उसके लिए तो सलमान खान भी बेकार है। मोदी तक को कोई कह देगा भाई तुझे पहचानता कौन है, है कौन। कृष्ण तक को गाली देती है दुनिया। तो हम असल में क्या है, हम कुछ नहीं है, हम यहां बहुत कुछ है सहस्रारा पर, हम कुछ नहीं है। जब हम कुछ नहीं है तो हम सब कुछ है। ऊपर चली गई टॉर्च, कुंडलिनी का सरपेंट ऊपर चला गया, यहां हूं मैं, असल में हम सब इस जगह है, पर असल में सोच क्या रहे हैं, रूट चक्र, स्वाधिष्ठाना, यही सब सोच रहे हैं, सेक्रल चक्र, मणिपुरा चक्र कहते हैं इसे, तीसरे को, मणि होती है, मणि इज अग्नि, एक ऐसा ज्वेल, हीरा, यूं मान के चलिए मणि, हम हर समय इसी में लगे रहते हैं, नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं होना है, क्योंकि पैदा होते ही हमारे तीन चक्र ऑन होते हैं, इसकी 10 गरारी है, इसकी 6 है, इसकी 4, स्पीड लगातार बढ़ रही है। कितनी स्पीड से धरती पर रखे जल जो धीरे धीरे पानी को हिलाता है, उस पानी को अग्नि तत्व सुपर स्पीड से एयर में कन्वर्ट करता है। जब कोई व्यक्ति कुछ पाने के बाद उसको भोगता है, यहां क्रिएशन है, यहां ब्रह्म ग्रंथि रहती है हमारी, पहले हमें ब्रह्मा जिसे कहते हैं बनाना, कुछ बनाने का शौक होता है, एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, और बनाओ और बनाओ और बनाओ, अपना नारा और बनाओ, आजकल और दिखाओ चल रहा है अमेज़न का, तो और बनाओ की इच्छा रहती है, ब्रह्म ग्रंथि लगातार आग उगलती रहती है। जिन लोगों का यह चक्र ब्लॉक्ड होता है वो बड़े सड़ते लड़ते रहते हैं, जिनका ऑन होता है वो बड़े खुश मिजाज, सुपर बकवास को एंजॉय करने वाले, हर प्रकार के हाजिर जवाबी। जिनका ये चक्र ऑन है उनके पास पैसे अनफ होते हैं, ऑलवेज अनफ, कभी कमी नहीं आती। जिनका ब्लॉक्ड होता है उनको हर समय लगता है कम तो नहीं हो जाएंगे, कम तो नहीं पड़ जाएंगे, एंजॉयमेंट के नाम पर कबाड़ा होता है, क्योंकि वो यहीं फंसे हैं, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो यहां फंसा है उसकी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं होगी, जो एंजॉय करना जानता है वो यहां से उठ चुका है। दैट मीन्स जिसमें मैं खत्म हो रहा है, ईगो, ईगो डिसॉल्व हो रही है, पानी है ना ईगो, इस आग को फूका जा रहा है आग के द्वारा, जिसकी ईगो डिसॉल्व है उसका ये चक्र ठीक है, उसे लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, उसके सारे इंटेस्टाइंस काम करेंगे। जो लोग मैं की बात करते हैं कई बार मेरे सामने, मैं समझ जाता हूं उनको बाउल मूवमेंट्स होती हैं, यानी इंटेस्टाइंस में खाना ढंग से पचता ही नहीं, ये स्वाभाविक है। ज्यादा मैं कीजिए, आपका पेट, इंटेस्टाइंस, वाटर रिटेंशन इंप्रॉपर हो जाएगी अपने आप, स्वाभाविक एलर्जीज हो जाएंगी, स्किन में दिक्कतें हो जाएंगी। विल पावर का सत्यानाश, ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, दोनों खराब। ये मत सोचिए ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, डिस्टर्ब हो गया वो खराब हो जाएगा। कई बच्चों के अंदर माता पिता ओवर कॉन्फिडेंस ठोक देते हैं, कई लोग फूले नहीं समाते इस चीज के ऊपर कि वाओ आई हैव दिस, वॉन्ट हेल्प, उससे कभी कुछ नहीं हो सकता। इस अग्नि के तत्व के द्वारा ये पानी यानी ईगो को जलाती है, तो हमारे एम्प्टी स्पेस में जितनी ईगो पड़ी है
चाहे अपने रूप की, चाहे चीजों की, चाहे किसी भी बात की, उसको फूकोगे नहीं जब तक, तब तक आपकी लाइफ से एंजॉयमेंट मरेगी। अगर आपकी एंजॉयमेंट मरी हुई है, सोच कर चलिए आपके अंदर कहीं ईगो का तत्व है, आप में कहीं ना कहीं बहस है, आप में कहीं ना कहीं क्रोध है, कहीं ना कहीं रोना पिटना है, आप में दूसरे की बुराई की क्षमता है, आप ये करना शुरू करो। हाँ जी, उसे एलिमिनेट कैसे? उसे एलिमिनेट नहीं करना है, वो करना नहीं है। जैसे ही आप कोई चीज खत्म करने के लिए एक और नया थॉट डालोगे, आप दो हो जाएंगे, वो करना नहीं है। तो कैसे उसको? ऐसा भी होता है कभी कभार कि जैसे मैं अभी मैंने नोटिस किया पिछले 1-2 महीने से कि आप मूव टू समाधान डिपार्टमेंट में जाना होगा, तो एक नया काम है उसको देख, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो चीज पहली बार देखी है, बट एक बार उसको चीज देखते हैं उसे ऐसी वाइब्रेशन आती है ये चीज हटकेगी, होगी नहीं, बट उसको मैं जितना मर्जी दबाने की भी कोशिश करूँ वो दबते नहीं है, फिर वो ओवरपावर कर जाती है। एंड होता क्या है कि 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, बस मैं चीजें देखते रहा तो कुछ कर नहीं पाता, जिसको शायद कहते हैं हाथ पैर खोल गया और कुछ कर नहीं पाए। सो आउटकम कुछ हुआ नहीं, उसकी वाइब्रेशन ने मेरा जो मैं करना चाहता था उसे भी रोक दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरा 2-3 घंटे खराब हो गए, वो उसको चीज में कर नहीं पाया, और फिर घर आके पता चला कि एक तो मैंने उसको दबाने की कोशिश की वो दबी भी नहीं, या करने की कोशिश की वो हुई नहीं, तो उसे फिर कैसे करें? अभी एक्सरसाइज तो करेंगे अभी मिस किए बाद में। मुझे लगा वो फेयर था, जो शायद अंदर मैं जगह, आप जैसे वाले थे वैसे वाले को आदत थी एक किस्म से काम करने की, जिस किस्म से काम की आदत थी, जैसे उसको किसी और किस्म से डाला गया वो वहां कोप अप ही नहीं कर पा रहा, बस वो फियर है और कुछ नहीं है। आप पुराने वाले ही रहना चाहते हो, नए वाले कभी बनना नहीं चाहते, क्योंकि नए वाले बनने में डर होता है, असफल हो गए तो क्या होगा, तो हम चिंता करते हैं भविष्य की, तो एंग्जाइटी आ गई, घबराना भी शुरू कर दिया, जैसे ही घबराए हाथ पांव फूल गए, तो करो क्या, भगवान पे छोड़ो ना, भगवान को आए पता है, तो वो छोड़ो ना उसको, वहां पर इधर बैठा है ना उस पर छोड़ो, दफा करो। ये चक्र होनी तब भाड़ में जाने से होता है, यहां क्या होता है, सब कुछ भाड़ में चला जाता है। जो इंसान हर बड़े से बड़ी चीज को भाड़ में भेजता है उसका चक्र होना है। अगर आप भाड़ में नहीं भेज पा रहे तो रोते रहोगे एक ही चीज की वजह से। ये बात मैं मानता हूं कि ये कैसे करे कैसे ना करे ये यहां नहीं सूझता, क्योंकि ये 3 चक्र बचपन से ही ऑन है, ये वार्म चक्र है गर्म, इनको तो झगड़ा ही नहीं है गर्म करने का, ये तो ऑलरेडी गर्म है, लड़ाई तो इसके ऊपर की है इन तीनों की। ये एयर है या हार्ट है, हृदय, यहां लव है। जब यहां से मनुष्य सेक्स करता है तो लव मेकिंग कहते हैं, जब यहां से करता है तो सेक्स कहते हैं। कुछ बच्चे सेक्स के संतान होते हैं, कुछ बच्चे लव मेकिंग की संतान, कुछ धन कमाई की संतान होती है, कुछ धन छीनने की संतान होती है। छीना हुआ धन आपका यह प्रेम मार देगा, कमाया हुआ धन आपको यह प्रेम भी दे देगा। कुछ बच्चों को पीट पीट के डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है, वो ये वाले हैं, कुछ को प्रेम से डॉक्टर इंजीनियर, उनका ये वो ये वाले हैं। इनके पास एयर बन चुकी है ईगो, धन अपने आप, ये तो अपने आप आएगा, पैरों में गिरेगा। जो यहां फंसे हैं वो लूट खसोट करते रहेंगे, प्लेजर आनंद नहीं लेंगे, डर चलता रहेगा, मजे कैसे लोगे? आपको रिश्ता खोने का डर है तो आप में मजे खत्म। आपको धन खोने का डर है, धन को दबा के रखोगे, दीमक लग जाए, भले उसको एंजॉय कैसे करोगे? आप डर रहे हो मेरा बच्चा ये नहीं बन पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, आप सारे टाइम ऐसे रहोगे, बच्चे को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। मन किया घर आया बच्चे से खेलें, उससे खेलोगे कैसे? आप तो उसे पीटना शुरू कर दोगे या डांटना शुरू कर दोगे, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, ये बन, एंजॉय कब किया? वो बेचारा बच्चे का भी कचूमर बन जाएगा। आप इन्हीं चक्कर में फंसे हुए हो, चक्कर है ये, चक्र ये चक्कर है जिंदगी के। जब तक यहां फंसे रहोगे उठोगे का खाक, एंजॉय कब करोगे? पर बच्चे किस लिए पढ़े? आपका बच्चा जिंदा है, बहुत खुशी की बात, बच्चे के हाथ पांव ठीक है, इससे ज्यादा आनंद क्या होगा? बच्चा आपको साथ बैठ के कभी तो प्यार से कुछ बोल देता है, और क्या चाहिए? अब बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसकी लाइफ खराब होगी, होनी है तो, और उसकी लाइफ खराब क्यों होगी? अगर आपने प्रेम कर नहीं किया तो, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ तो कर ही लेगा, इतना सा भी दिमाग चलेगा तो बच्चा कुछ ना कुछ कमा ही लेगा। आपने इच्छा से ली होगी ना साइंस, और पीछे पड़े होंगे या चाह रहे होंगे पढ़े बेटा पढ़ ले बेटा, तो ढूंढो कहाँ गड़बड़े। उसको तो हमने कहा था कि कॉमर्स ले ले, ऐश की लाइफ करियो,
पर वो नहीं, पता नहीं तो उसका प्रारब्ध है। सोचो पूर्व जन्म का लेन देन है, टाइम वेस्ट करना है, इतनी पढ़ाई लिखी थी हो गया भाई, कोई 40 साल में मर गया, अच्छे से जी के मरा, चलो ठीक है यार। बोले बड़ी यंग डेथ थी, बड़ी यंग डेथ थी। हमारे पड़ोस में एक मृत्यु हो गई, वो कैंसर से मर गए, 4 साल लगे कैंसर से सड़ सड़ के, मतलब मरने की ही प्रार्थना थी, परंतु वहां मैंने कह बैठा अच्छा हुआ चलो पूरे हो गए, तो लोग बोल बैठे कि आप यंग डेथ के लिए ऐसे बोल रहे हो। डेथ तो डेथ होती है, यंग और ओल्ड कहां होती है? 80 साल का आदमी भी सुख से जी रहा हो तो क्यों मरे, और 15-20 में भी दुख हो 10 साल पुराना तो वो मरी जाए, इससे तो अच्छा। दुख में तो हम मरने की ही इच्छा करते हैं, रिश्ते मर जाते हैं, प्रॉपर्टियां मर जाती हैं, शरीर के अंग मर जाते हैं, डेथ इज डेथ। आप सर कह रहे हो कि यंग डेथ, मेरी फ्रेंड के फादर की डेथ 60 थे, तो उनको भी कैंसर से अभी 2 महीने पहले, तो मैंने इतना बोला क्योंकि सारी फैमिली सफर कर रही थी, तो मैंने इतना ही बोल दिया कि चलो अब सबको राहत हो गई है, ऑनेस्टली थोड़ा सा हमें देख के दर्द हो रहा था। उसने बोला अभी 60 साल के ही तो थे, मैं चुप हो गई, फिर मैंने कहा शायद मैंने गलत बोल दिया। जो जीवन में नहीं होता वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम मनुष्य उस चीज से प्यार करते हैं जो जीवन में नहीं होता, हमें हमेशा वो चाहिए होता है। हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं भगवान से, क्योंकि वो कभी ना है ना आएगा ना होता, वो दिमाग में बनाया हुआ है हमने। जैसे बाबू जी गुजर गए, बाबू जी बड़े चंगे सी, दूध लियांदे सी सवेरे सवेरे, कुत्ते नु कुमांदे सी, बच्चे नु स्कूल, तो यही थे बाबू जी, और क्या चंगे थे बाबू जी, काम के थे, इस्तेमाल होते थे, जो साबुन इस्तेमाल का था उसे संभाल के रखो, जो इस्तेमाल लायक नहीं कूड़े में फेंक दो। तो बाबू जी इस्तेमाल के लायक थे तो बहुत चंगे थे, अब मर गए तो जो जो इस्तेमाल था वो खत्म हो गया, सारा खेल यही, इसी में फंसे रहते हैं सारी जिंदगी। हम पति पत्नी के तौर पर नहीं कहूंगा मात्र सेक्स होता है, भाई भाई से प्रेम है वो भी एक प्रकार का सेक्स है, आनंद है, हम किताब पढ़ के आनंदित हो गए, मजा आ गया, दैट इज सेक्स। एक सीरियल देखा, सीरियल देखने की ललक देखी मैंने कई स्त्रियों में, उफ। सर आप कई स्त्रियों का नाम बताइए, सब स्त्रियों का नाम से सॉरी। मैंने पहले ही अपने बाल बचा लिए थे। तो ऐसी विचित्र किस्म का वो, मतलब एक सेक्सुअल प्रणाली की बात कहूंगा, एक लस्ट होती है, ये बस आग लगती है, लग जाए ये तो चाहिए, दैट इज स्वाधिष्ठाना चक्र वर्किंग, कि अब मैंने सारा काम खत्म कर लिया, अब मैंने इसको एंजॉय करना, दैट इज सेक्स। हम इसमें फंसे रह जाते हैं, इसमें बुराई कोई नहीं है, इसी के लिए तो हम पैदा हुए हैं, इन तीन के लिए, ये तो हमारा कर्म है, पर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि इस लव से ऊपर उठें और जाने जीवन क्या है। हम अपने जीवन में लगातार इन्हीं की बीमारियों से तो ग्रस्त है, दुख है कहां, इन तीन चक्र में तो दुख है। नो प्रॉब्लम, आपके अंदर एक नई चीज चली गई, अब उस बीज का पौधा बनने की देर है, किसी का 1 दिन में बनेगा, किसी का 10 साल में, किसी का अगले जन्म में, क्या फर्क पड़ता है? जैसे साहिब को एलर्जी है तो उसको खाने के लिए दूसरी मना बाहर का, उसके बावजूद भी मैंने बोला कि देखा जाएगा, कल जैसे बाहर खाना खाने गए, कुछ नहीं हुआ, टच उड़, और सुबह उठते उठते उसको बैठते हो गए, तो टच उड़ जो कर दिया था, मतलब नहीं सुबह उठा ना, आपकी बुद्धि यहाँ से स्थिर रहेगी ना, ना थैंकफुल होगी, ना रोएगी, ना चाहेगी, तो ये बच्चों की तरह ठीक रहेंगे, इतने मजे करोगे कृष्ण जी की तरह। कृष्ण जी ने बहुत पार्टी की है, तो वो तो चाहत चाहत लोभ लोभ, मेरा मेरा, मैं उसी में तो गड़बड़ है। आप बच्चा, आपका यहां से बच्चा हुआ, ये है वाटर चक्र, जिसकी वजह से बच्चा, मैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा भाई, मेरी गाड़ी, ठीक है जी, मेरा भाई, मेरी चीज, मेरे पापा, मेरी मैं, यहां है सब मैं। अब आप उस मैं के साथ जिस जिस से डर रहे हो ना, मेरा बच्चा हाई ये तो नहीं होगा, मेरी पत्नी हाई ये तो नहीं होगा, मेरी किताब हाई ऐसा तो नहीं होगा, जैसे ही आप यहां आ गए एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी उसकी। अब आप उस बच्चे से, उस चीज से, उस पुस्तक से, उस धन से एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपका जो जो मैं है वो यहां से आइडेंटिफाई होगा, और जिस जिसके लिए यहां डर शुरू कर दिया वो आपको मजे नहीं देगा, आप बच्चे से भी दुखी होंगे, अपनी गाड़ी से दुखी हो जाएंगे, चलने से मना कर देगी सुबह सुबह रोज, क्योंकि आप उसे इतना प्यार करते हैं, एक्चुअली डरते हैं, सोचते हैं, प्यार करते हैं। ये चक्रोन्मत होने दीजिए बिल्कुल किसी हालत में,
जब इस चक्र पर जाते हैं तो आपके अंदर लव होता है, हार्मनी, दैट इज एयर, हवा, अल्फा, अल्फा ब्रेन है यहां, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। आप यहां से खाना डालते हैं, गला है यहां, मुंह से खाना डालते हैं पेट में, पेट में इधर आता है अग्नि। ये आग क्या करती है, उस भोजन से फ्यूल बनाती है। आप कंप्यूटर में करंट लगाते हैं ना, बिजली का सर्किट ऑन करते हैं, उसमें फ्यूल ऑन हो जाता है, कंप्यूटर चलने लगता है, प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन फेंकता है, इधर जा उधर जा। यहां हमारे सारे के सारे खाने की शक्ति बनती है हमारी मशीन की। फिर ये शक्ति से क्या करता है, जो हमारे अंदर का रेजिड्यूस बचे हुए को आग लगा लगा के तपा तपा करके हार्ट पे डालता है। यह हार्ट पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, उसको सारे शरीर के अंदर एक एक नर्व एक एक सेल के अंदर शक्ति जाती है और पूरी बॉडी ज्वलंत जीवित हो जाती है। हम क्या करते हैं, यहां खाना जलाया, फ्यूल मिलाया, मैं पेट्रोल की टंकी मिली है, बढ़िया, यहीं फंस गए, यहां की चिंता डाल दी, हार्ट बेचारी सप्लाई नहीं कर पाती, शरीर के अंगों में दर्द शुरू हो जाता है। एयर चक्र का काम है पूरी बॉडी में सप्लाई करे, पूरी बॉडी में सप्लाई कहां से करे, यहां से ऊपर जाना है, हम नीचे घुस जाते हैं, खाने की भूख लगी, अगले दिन फिर लगेगी, एक्स्ट्रा खा लो, कल के लिए कहां से खा लोगे, पर कल के लिए पैसे जमा करने, कल के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, अब बात लगेगी, पता चलेगा, अरे तो पता ही तो चलता है, बड़े बड़े कंगाल करोड़पति बन जाते हैं बैठे बिठाए, काम तो किसी का रुकता ही नहीं, भीख मांग के भी रोटी खाते देखे लोग आपने, तो भीख भी तो मिली जाती है। और अमीर लोग भी जो पैसे से समृद्ध हैं, वो भी भिखारी बनते देखे होंगे, उनकी भी लाइफ कई बार कूड़े की तरह होती है, बड़ी गंदी मौत मर जाते हैं। तो हाउ बीइंग हियर, यहां रहने से कैसे सफलता मिलेगी, क्या तरीका है, कोई सिर पैर नहीं, यहां पर सारा रिजर्वायर है जो काम कर रहा है, इसको फूंक कर ऊपर ले जाता है और पूरी बॉडी में सप्लाई जाती है, पूरी बॉडी का सिस्टम पूर्ण रूप से सही कार्य करता है, एक एक ग्लैंड सही काम करता है, ना शुगर होती, यहां पर सारा लफड़ा है हमारा किडनीज का, यहां सारा लपड़ा, खाना ढंग से नहीं पचाते, पैंक्रियास है, यहां शुगर हो जाती है खटाक से एक सेकंड में, और यहां फंसे रहते हैं, यहां बीपी होता है, यहां से होता है ब्लड प्रेशर, जो अर्थली चीजें रूट में फंसा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, हाय हाय उसको बीपी होगा। आप जिसको बीपी है पहले उसे खुद स्टडी कर लो, उस व्यक्ति को स्यापे कितने पाल रखे हैं उसने, वो सारा दिन में, मतलब मैं अंदाजे की बात कह रहा हूं, यदि 10 घंटे है तो प्रति घंटे 5 बार वो ये चीज जरूर कहेगा व्यक्ति, स्वाभाविक, उफ हाय कैसे क्यों किस लिए। आप ये बंद कर दो डायलॉग्स, शब्द जबान से बंद कर दो, अभी इस चक्र पे जा रहे हैं, आप शब्द बंद कर दो मुंह से, ये चक्र ठीक हो जाएगा, बीपी आउट, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। आप यहां बॉडी में फ्यूल डाल रहे हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस लगाया जाता है, बिजली चली जाए तो उसके अंदर 20 मिनट 25 मिनट की बिजली होती है, बैटरी लगी होती है। अगर हम अपना इधर पायर चक्र, जितने लोग डायबिटीज के मरीज हैं उन सब के साथ का मुद्दा देखेगा, वो लगातार एक्सीज थॉट सोचते हैं और उसे सोचना बंद नहीं करते, दिमाग थक जाता है सोच सोच के। आप अपने बच्चे के लिए टेंशन कर रहे हैं, इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बन जा, पहले बड़ी खुशी से, फिर उसके बाद हाय इंजीनियर क्यों नहीं बनता, नहीं बना क्या करेंगे, आपका दिमाग थक जाता है पर आप सोचना बंद नहीं करते, सारी एनर्जी यहीं फूक जाती है, ऊपर जाके बॉडी तक बढ़ेगी कैसे। आपकी मशीन के मोटर्स काम करने बंद कर देते हैं, आप सही एनर्जी पहुंचा ही नहीं पाते पूरी बॉडी के अंदर, आपके अंदर 99% स्पेस काम कैसे करेगी, इसलिए बॉडी कोलैप्स होने लगती है, डायबिटीज परमानेंट हो जाती है और जिंदगी भर के लिए हार्ट पे सबसे पहला इफेक्ट डालती है, किडनीज पे पहला इफेक्ट डालती है, क्योंकि इसके साथ किडनी है और इसके साथ हार्ट। डायबिटीज फ्रॉम हेयर, फायर चक्र सही काम करने दो, इट विल कम विद कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट तैयारी कर लो, आपकी किडनी और हार्ट पे लोड है। हाँ जी कही प्रश्न, कुछ वो बहुत हाई रहती है, बहुत सोचती रहती है, एक ही बार को पजामा कैसे जाएगी, हाई ये नहीं हुआ, हाई नहीं, और गर्मी है तो हाई बहुत गर्मी है और ठंड है तो हाई बहुत ठंड है, लेकिन उनको मैं जैसे एक कहती हूँ, मम्मा जैसे आप सिखाते हैं समझाते हैं, उनको मैंने बकायदा बना कर दिखाया कि मम्मा देखो, गणेश जी भी ये कहते हैं कि ऐसे से हाई नहीं करनी चाहिए, इससे ये बीमारी होती है, बीमारी होती है,
पहले पूरा समझ लेंगी, अच्छा 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 ऐसा होता है, पर क्या करूँ, मेरी तो आदत है किसी को रुका नहीं जाता, पूरी गलती अंदर से गलती आत्मा से गलती है, क्या करूँ। उनका पुरुष तत्व डिस्टर्ब है और वो किसी पुरुष को पागल कर देंगे घर में। फैक्ट है ये, पता तो है, करना कुछ नहीं। सर वो कहती है कि मैं मेरे बस का नहीं, मैं कर नहीं सकती, होता नहीं मुझसे। हस्बैंड है, ससुर है आपके? हाँ, तो वो तो एक गए। और कोई पुरुष जो गड़बड़ हो? जिनके पास रहती है वो देवर है मेरे। देवर तो वैसे ही बेहाल है आपके। इनके उनका वो पुत्र वाकई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कार्य से अनसेटल्ड है परमानेंटली इन लाइफ, बहुत परेशान है। ये चीजें सत्य में सामने आती है। तो चलो, ये कह रहे हैं कि इस कारण से स्टम्स, यस, यहाँ है बच्चे, मैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे पे जाएगा, उस बच्चे के साथ रहती हूँ, उसका कबाड़ा कर देंगे, वो अपने आप हो जाएगा कबाड़ा, वो जिंदगी उनके मरने के बाद ठीक हो जाएगा, वो बच्चा ठीक हो जाएगा मृत्यु होते ही माँ की। भाई तो अगले जन्म में हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा चलता है थर्ड आय का चक्र, जिसके 16 पेटल्स हैं, 16 गरारियां हैं। इन गरारियों की खासियत क्या है, ये गरारियां क्या करती हैं? ये जो फ्यूल यहां बना, खाना खाया, इससे ताकत बनी, फ्यूल बना, हार्ट ने इसको बाहर फेंका हर जगह, ये उस एनर्जी को जो जगह जगह बॉडी में पहुंच गई है उसको रेगुलेट करती है। एनर्जी किस चीज से रेगुलेट करती है? प्राणवायु से। प्राण समान अपान उदान, इसकी बात हम कर चुके हैं व्यान, ये 5 किस्म के प्राण होते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं दैट इज नॉट एयर अलोन, दैट इज आकाश, आकाश तत्व, दैट इज ईथर। हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन जा रही है लगातार, जो 99% एम्प्टी स्पेस है जो शरीर के अंदर है, वो पता नहीं कितनी विशाल है पूरी ब्रह्मांड में। उस एम्प्टी स्पेस में जो कुछ है, उस कुछ से हमारे अंदर का 99% कनेक्ट होता है, और उस कुछ से हमें अचानक कई बातें पता चल जाती हैं, कई नई इन्वेंशंस हुई, कई नई नई बातें हो जाती हैं, अचानक जीवन में चमत्कार हो जाता है, ऐसी विचित्र नई चीजें हो जाती जो हमने सोची भी नहीं। वो कहां से होती है? यहां से, आकाश तत्व, दिस इज स्पेस। इसका काम है ट्रूथ, ये ट्रूथ सत्यता, जीवन में जिसके सत्यता है लाइज से खराब होती है, झूठ बोलते हैं ना अपने आप से जितने जीवन के अंदर, उससे थ्रोट चक्र खराब हो जाता है। और सत्य पर अगर हम आ जाते हैं कि हमने सत्य जान लिया ये है, पर हमने जान लिया, ये जान लिया, सुना नहीं, जान लिया। हम जानते कब है? जब हम समझ लेते हैं। समझते कब हैं? जब पहले सुन लेते हैं, सुनने के बाद में हम उसको पूर्ण रूप से समझते हैं, तब कहीं जाके जानते मानते और करते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं ना, क्लास में आए, सुन लिया, मजा आया, बाकी नमस्ते। जब तक ये चक्र ऑन नहीं होगा, तब तक हम बाद में वैसा परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। हम क्लास पर आए जी, समझ कुछ नहीं आया, पर अगले हफ्ते क्लास पे जाने का मन कर गया, चेंजेस हो गए, इट्स ऑन, ट्रिगर्ड ऑन, दूध उबलना शुरू हो गया, एक दिन फटाक से बाहर आएगा, स्टार्ट हो गई प्रक्रिया। उसकी चिंता मत कीजिए कि आज क्या हुआ। बेबी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, ग्रेजुएट होने में 20 साल, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पता ही नहीं चलेगा। इट विल बी ए प्रोसेस, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। इस शरीर की बड़ी विचित्र चीज है ये थ्रोट चक्र, यहां से जो भी डालो इसमें, फायर चक्र तक, मिठाई डालो, केला डालो, संतरा डालो, पराठा डालो, कुछ भी इस पेट में, इस मुख के थ्रू डाल दिया जाए, उसका शरीर बन जाता है। कुछ घंटों के बाद वो वापिस शरीर बना देता है। कैसे? ये प्राण उसको डायरेक्शन देता है, ये प्राण घूमता है पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में, हाथ पांव हर जगह, 88,000 गरारियां लगी हुई हैं, ऐसी मास्टर साहब गरारियां ही हैं, ये गरारियां उसको घुमा रही हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घूमती हैं, अंदर खींचती हैं प्राण एनर्जी, काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं, बाहर फेंकती हैं। एक एनर्जी फट से अंदर ली, बाहर फेंकी, सांस अंदर लिया, बाहर गया, एनर्जी आ रही है, जा रही है, पूरी बॉडी में चक्र उस प्राण को घुमा रहे हैं, सही डायरेक्शन, जैसे एक रोड का बहुत सुंदर ग्रिड बना हुआ है, अपने आप ऑटो पायलट पर आपकी गाड़ी ऐसे घूमी, फिर ऐसे, फिर इधर टर्न, फिर उधर टर्न, ऐसे बॉडी में प्राण लगातार सुपर स्पीड से प्रवाहित हो रहा है इन चक्र से। ये चक्र अगर प्रॉपरली अलाइंड है हमारी बॉडी में, प्राण वायु जो हम ब्रीद कर रहे हैं, जो जीवन है, ये धागा है हमारा, थ्रेड, कूर्म नाड़ी कहते हैं इसे, यदि हम इसको काट दें तो ये शरीर मृत कहलाएगा। यानी शरीर में प्राण है, यानी जिंदा,
तभी है जब तक ये चल रहा है। और ये चलेगा सही कैसे? जब हमारे चक्र सही अलाइन होंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन देते हैं इसको, लगातार फेंक रहे हैं अलग अलग घरारी अलग अलग डायरेक्शन पूरी बॉडी में। अगर ये नहीं दे पाएंगे तो शरीर के उस हिस्से में दर्द होगा। अगर आपके हाथ में दर्द है, समझिए आपके दिल में कुछ लफड़ा है। पैर में दर्द है, समझिए रूट चक्र में कुछ झंझट है। आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है, आपकी नींद की प्रॉब्लम है, कंधों में तकलीफ है, बीपी है, शुगर है, हर चीज उससे कनेक्ट कीजिए इस चक्र में। और इस चक्र की कौन सी फीलिंग है, उस फीलिंग को 99% स्पेस को धोना शुरू कीजिए। अब हमने सुना कंफ्यूजन, ये धोएं कैसे, समझ नहीं आ रहा। तो कई बार जब ये समझ ना आए कि ठीक कैसे करें, बात तो सुन ली पर कैसे ठीक करें, तो ये थर्ड आई है, इसके ऊपर थर्ड आई है, 16 गरारी के ऊपर, यहां सिर्फ 2 गरारी है इसकी, थर्ड आई। ये थर्ड आई है जो हमें उस कॉन्शियसनेस से मिलाती है जो हमारे अब बाहर भी है, हम में भी है, बाहर भी है। ये हमें इंट्यूशन देती है। ये ब्लॉक कैसे होती है, इसके पास क्या है, इनसाइट। इनसाइट मींस भविष्य देखने की शक्ति, जानना, जीवन को समझना। ब्लॉक किससे होती है, इल्यूजंस, झूठ समझना, सब कुछ ये है, सब कुछ वैसा है। हम समझते हैं ये ना ऐसा होता है, लोग कहते हैं ऐसा होता है, अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदी बात, ये अच्छी बात, ये पाप, ये पुण्य। जब तक दिमाग ये सब सोच रहा है, थर्ड आई ब्लॉक है। जिस दिन आपकी थर्ड आई अनब्लॉक होगी, आपको ये सब सोचना व्यर्थ लगेगा। आप सोचेंगे ना, भगवान क्या है, क्या जरूरत है जानने की, क्या खाना चाहिए, क्या जरूरत है जानने की, क्या जरूरत है नई नई कमांड्स देने की बॉडी को। जिनकी थर्ड आई ब्लॉक, वो क्या करते हैं, अपने शरीर से प्यार नहीं करते, शरीर को कोसते रहते हैं, क्या है यार, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, सोचते रहते हैं वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। मान लो एक लड़की सोचती है वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, वो मेरे से ज्यादा अच्छी है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, मुझ में क्या है? नहीं, मुझे उससे सुंदर बनना है, मुझे उससे अच्छा बनना है। कंपैरिजन शुरू हो गया, अपने आप ये चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर चक्र का कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन आते ही फियर आ जाएगा। सिर्फ मैं ही मैं जीऊं, ये ऑन होता है जब नीचे का एक चक्र छोड़ दीजिए, ऊपर का एक चक्र छोड़ दीजिए, थर्ड आई ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, वाटर थर्ड आई के हिसाब से चलेगा। ये कब चलेगा, जब आप पूर्ण रूप से ये सोचेंगे, सारी दुनिया भाड़ में जाए, आई विल लव ओनली एंड आई डोंट बॉदर। कितना उलट सोच है, मुझ में प्यार भी है और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब बड़ा ही निर्मोही बनना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जितनी अटैचमेंट से फंसी हुई जिंदगी है ना हमारी, यहां अटैचमेंट है, नहीं छोड़ा जाता, नहीं त्यागा जाता, चिंता करने की आदत पड़ चुकी है, नहीं खत्म होती। ये खत्म सिर्फ तब होगी, यानी ये खत्म क्यों चाहिए, ताकि शांति आए जीवन में, ब्लिस बॉडी एंजॉय करें। बहुत मजेदार खाना खाते हैं कभी कभी हम, तृप्त हो जाता है ये फायर चक्कर, कहता है यार मजा आ गया, उस टाइम 36 किस्म की टेंशनें भूल जाते हैं हम। ये भूल जाते हैं, आप किसी को खूब, मतलब कहता हूँ, कमाल का खाना दे दीजिए, पत्तल में परोस के दे दीजिए, अगर उसको मजा आ गया खा के, टेस्ट आ गया, पेट भर गया, भूखे का पेट है, नहीं मिली रोटी, भूखे का पेट भर गया ना, तो कहेगा भाड़ में जाए, मेरे घर पे छत नहीं है, लेकिन इस टाइम मैं स्वर्ग में हूं। पूर्णता यदि हो जाती है, थर्ड आई ऑन होने पर वही होता है, यानी आपका बाकी सब झंझटों से निष्कासन, भाड़ में जाए, क्या रखा है, मैं रोया अपने बच्चे के लिए या रोई, क्या हुआ उसके बाद, बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, फिर क्या हुआ यार, मिशन ही खत्म हो गया जीवन का, अब क्या करें। ये कथा शायद मैंने पहले बताई, मैं भूल गया, टैगोर ने ये अपनी एक कविता लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं ईश्वर को ढूंढने चला, ईश्वर मिला नहीं, कई जन्म भटका, हर जगह देखा, हर जगह ढूंढा, जिसने दरगाह पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बोला, सब जगह पाया, ईश्वर नहीं मिला। तुक्के से एक दिन मैं ईश्वर के दरवाजे पे सच में पहुंच गया और मुझे पता चल गया अंदर ईश्वर है। बोला यार दरवाजा अभी कुंडा उसका हत्था पकड़ा, अचानक झटका आया, अगर ईश्वर मिल गया तो क्या होगा, खत्म। जीवन दौड़ रहा था, भाग रहा था, ढूंढ रहा था, कारण ही समाप्त हो जाएगा भाई, क्या करूं, फिर क्या करूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। बड़े धीरे से कुंडा मैंने छोड़ा,
कि आवाज से कहीं दरवाजा ना खोल दे वो, और भागा दुम दबा के, और फिर उसी खोज दौड़ में ईश्वर को ढूंढता रहा, जीवन का मजा चलता रहा। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, 15-20 साल तो मम्मी इसी में सत्यानाश कर देती है अपनी यूथ का, अपनी ग्रोथ का, अपने प्रेम का। मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चा डॉक्टर बन गया, अगले दिन 10-15 दिन का हनीमून चलता है, हाँ मेरा बेटा डॉक्टर हो गया जी, अमरीके जा रहा है, डॉलर डॉलर, बड़ी मकान, बड़ी बिल्डिंग, आपका बच्चे से कॉन्टैक्ट समाप्त, बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं, आपके पास है तो उसके पास टाइम नहीं, उसकी शादी का स्यापा, और आपका तो मिशन समाप्त। कर क्या रहे हो, 20 साल अपने आप को तबाह किया, बर्बाद किया, 20 साल खुद को भी जीवाओ तो उसे डॉक्टर बनाओ तो समझ आया। आपका मिशन समाप्त अगर बन गया तो क्या करोगे, अगले दिन खत्म हो गई जीवन। कभी व्यक्ति ने भरपेट खाना खाया जिसके लिए तरस रहा है, पेट भर गया, अब क्या करूं, खाने को फेंक देगा, परे हटाओ, अब नहीं चाहिए, पेट फट जाएगा। 99% स्पेस हमने चीजों से, गंदगी से भर रखी, उसे खाली करने के लिए थर्ड आई की एक्टिवेशन चाहिए। हम सब यूनिक लोग हैं, यूनिक, एक भी एक दूसरे के जैसा नहीं। कभी जिंदगी में मत सोचना ये खा लो थर्ड आई उठेगी, ये व्यायाम कर लो, ये वाली एक्सरसाइज से फलाना। आपकी थर्ड आई जैसे खुली, दूसरे की अलग तरह से खुलेगी। हम सब अलग है, हमारा जीवन ही इसमें तबाह हो गया। लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसे जीवन जीना चाहिए। देखो जी, तरीका यह है, एक आदमी कहता है मैंने लंबी आयु पाई क्योंकि दिन रात योगा किया, दूसरा कहता है मैंने 2 पैग रोज लिए इसलिए। सबकी अलग है, एक तरीके से दूसरा कैसे जी सकता है। आप किसी से राय लेते हैं पहले, तो ऐसा करें वैसा करें, जीवन के बारे में, मैं बिजनेस नहीं कह रहा, वो अर्थली चीज है, उसके बारे में सारी दुनिया से राय लो कि मेरे जीवन में इस प्रकार का दुख है। आपको पहले उस दुख को आइडेंटिफाई करना है, वो आइडेंटिफाई, वो दुख है क्या, वो अवेयरनेस इससे मिलेगी। जब तक आपको पता ही नहीं कैसे होगी, आपके ये अवेयरनेस कब खुलेगी, जब आपका ये सिर, ये हेड है ना, ये राहु सांप का फन होता है, ये हमारी टेल है सांप की पूंछ, जब ये सिर सिर पे होगा, ये सिर हमारा अक्सर पैरों में होता है, पेट में होता है, दिल में होता है, ये सिर में तो होता ही नहीं। या हमें चीजें जमा करने का शौक होता है, या अय्याशी करने की नशा होता है, या खा खा के पागल होने का होता है, या सारे टाइम मस्ती मारे इसका होता है, ये सिर में कहां होता है, सिर, ये सिर हर समय नीचे होता है। इस सांप के फन को, कुंडलिनी को ऊपर उठाना है। जब ये ऊपर उठेगा और ये यहां रहेगा, सब आपके नीचे रहेंगे, सब कौन, आपके सारे रिश्ते। तो लेकिन एक बात, मैं अभी जो आप बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में बात आई, जैसे आप कह रहे हो कि हम लोग को, हमारे जीवन, सबके जीवन में एक ना परेशानी है, हम इसलिए जी रहे हैं कि हमें वो परेशानी सॉल्व करनी है। अब जिसको ये पता चल गया, जैसे आप हो, आपको ये सब पता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? मुझे क्या पता, मुझे पर्पस ढूंढने की जरूरत क्या है? चिंता छोड़नी थोड़ी है, चिंता छोड़ दी कि सोचा तो छोड़ी कहां, चिंता है मैंने ये वाली चिंता छोड़ दी, छोड़ी नहीं है फिर आपने, अभी छोड़ी है ये सोचे हो। आज से करीब शायद 8-9 साल पहले मेरा जीने का मन खत्म हो गया था कि मरीज है क्या रखा है, और कोई दुख से नहीं, कोई कारण ही समाप्त आ गया। कोई 5-6 साल मेरा ड्रामा चलता रहा, क्या रखा है यार, अब मैं इससे भी थक गया। तो जिंदगी जीने का नाम है, जियो, एंजॉय कर सकते हो कर लो, मरने से डरना है डर लो, घबराओ नहीं, एक बात ये समझ आई। दूसरा, धन है, कल होगा नहीं होगा, तो कल तो कभी होता ही नहीं, हम क्या कमांड देते हैं, कल एंजॉय करेंगे। जब भी दिन आता है हमारी कमांड बरकरार रहती है, कल करेगा ये आदमी एंजॉय, आज कभी नहीं कर पाता, मैंने कमांड सीख ली आज एंजॉय करेंगे, तो कल भी आ जाएगा, आज फिर एंजॉय करेंगे। जब आप शरीर के भेद को, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के भेद को, आत्मा के भेद को समझ लेंगे, तो आप अलग अलग किस्म की हर चीज को एंजॉय करेंगे। एंजॉय होता है ना? एंजॉय होता है टेंशन ना होना, सुख कुछ नहीं होता, दुख ना होना सुख होता है, जो कम से कम दुखी है वो सुखी है। सुख तो एक वर्ड है, सुखी थोड़ी होता है इंसान, मैं सुखी हूं, हे भगवान मूर्ख है, अब पिटेगा, सुखी कोई नहीं होता, बहुत मारेगा भगवान उसे, भगवान कौन, बैलेंस खराब,
ये क्या है? न्यूट्रल। यहां ऊपर है, ऊपर वाला ये है सहस्रारा, यहां दो के बाद सीधा हजार है, चार छह दस बारह सोलह दो पचास होते हैं ये, पचास पचास के गुच्छों के बीस सर्कल होते हैं यहां सहस्रारा, 15 × 20 1000। मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाता है महामृत्युंजय मंत्र से, पचास अक्षर का मंत्र है महामृत्युंजय, इस मंत्र को पचास अक्षर कहेंगे, बिकॉज इट ओपन्स एवरीथिंग एंड टेक्स अस हियर। यहां ब्रह्मा ग्रंथि है जो क्रिएटर है, बनाना है लाइफ में, कुछ बनाना है, बनाने का चस्का ही खत्म नहीं होता। जब जीवन में आप बनाने का चस्का समाप्त कर दोगे कि अब मुझे कुछ बनाना है, आपकी ये कंट्रोल में आ जाएंगे। बनाने की इच्छा छोड़ दो, और घर बनाना है, और ज्वेलरी बनानी है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कुछ बनाना है छोड़ दो, जो बन गया बहुत है। बच्चा पहले बनाना था, बच्चा चाहिए था, अब बच्चा बन गया, अब उसे कुछ और बनाना है, ये बनाना ही खत्म नहीं होगा, पूरी जिंदगी मंकी बन जाएंगे, बनाना ही खाते रहेंगे। इट इज फिक्स, जैसा मैं हूं मैं वैसा ही तो हूं, मैं ऐसा क्यों हूं क्यों पूछूं। सलमान खान भी सलमान खान होके दुखी है, तो कुछ होने से सुखी दुखी होंगे, ये तो बेवकूफी हुई ना। तो मेरे पास जो मेरा है वो मेरा ही तो है, वो मेरे से छीन नहीं सकता, मेरे फिंगरप्रिंट नहीं छीन सकता कोई, मेरे नाखून नहीं छीन सकता, मेरे शब्द नहीं छीन सकता। मरना होगा, मैं भी टाइम से मर जाऊंगा, दुखी हो के सुखी हो के भगवान की मर्जी। भगवान कौन? ये इसकी मर्जी कैसे? जैसी इन्होंने डिस्टर्ब की वैसी मर्जी। गंगा बह रही है, नाला बना दो, नो प्रॉब्लम, वो बहती रहेगी, इट हैज नो प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट टू इट। जब बनाने की इच्छा पागलपन समाप्त कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आपके जीवन में इच्छा रह जाती है एयर, विष्णु ग्रंथि की। विष्णु क्या है? जो बन गया उसे मेंटेन करना है। दो चक्र जीत लेते हैं आप बनाने की इच्छा समाप्त होते ही, जैसे ही आप बाद में सोचते हैं जो बन गया ना उसे मेंटेन करना है यार, मेंटेनेंस का चस्का विष्णु ग्रंथि। आप ऊपर उठ गए हो लेकिन अभी यह भी फंसा हुआ है, क्योंकि पांच भूमि गगन वायु अग्नि नीर ये माया है, इसमें दुख है। जब ये कम हो जाता है तो हम महसूस करते हैं इल्यूशन, इल्यूशन ये धोखा है। धोखा कहां? यहां धोखे में फंसी रहती थर्ड आई। सबसे बड़ा धोखा क्या? ये सोचना मैं अलग हूं वो अलग है। जिस दिन ये इल्यूशन समाप्त होती है हम जान जाते हैं हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। जैसे ही हम दूसरे को रुलाएंगे हमें रोना पड़ेगा, जैसे ही हम दूसरे को प्रेम करेंगे हमें प्रेम मिलेगा, हमने किया क्या है वही मिलेगा। ये इल्यूशन का खेल है, इसको जान लेने मात्र से ये इल्यूजन समाप्त होती है। जब विष्णु ग्रंथि को हम जीतते हैं मींस हमने ये जीत लिया कि जो बनाया है उसे भी मेंटेन करें। स्वतः मेंटेन कैसे हो, स्वतः कैसे बने, अपने आप कैसे बने, ये सब अपने आप बनता चला जाएगा। सुषुप्ति अपने आप बनता है, तो जितनी प्रॉपर्टी हम सोचते हैं हमने बनाया ये सुषुप्ति की तरह ये त्यागी जाएंगी, धरती पर रह जाएंगी, साथ नहीं ले जाएंगे। हम इसे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, 20 मकान बनाएंगे 40 मकान, क्या होगा? भूख कभी समाप्त नहीं होगी, सेक्स की इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी, मकान बनाने की इच्छा समाप्त नहीं होगी, ज्वेलरी की इच्छा समाप्त नहीं होगी। ये तीन चीजें शरीर के साथ समाप्त होगी, क्योंकि ये त्यागने योग्य है, ये यहीं छूटेगा। अच्छा, रहते रहते भोगने की बहुत आग लगी है, चलो थोड़ा मेंटेन किया एंजॉय किया फिर ऊपर उठो। अगर विष्णु ग्रंथि एयर तत्व हार्ट चक्र इस तक को जीत लिया तो कुंडलिनी और ऊपर उठेगी। ये हेड जो हमारा नीचे फंसा हुआ है ये ऊपर उठेगा, जो जहां होना चाहिए, तब जाके ये राहु खुलेगा। राहु है ये, नीचे केतु है, ये ऊपर आएगा तो ऊपर यहां क्या करेगा आके, इसके ऊपर है रुद्र ग्रंथि, दैट इज शिव। शिव के बारे में एक बड़ा गलत फलसफा दे रखा है हमारे यहां कि शिव इज द डिस्ट्रॉयर, शिव समाप्त कर देता है। शिव कभी कुछ समाप्त नहीं करता, शिव स्वरूप बदलता है। एनर्जी नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, एनर्जी चेंजेस। आपकी जितनी एनर्जी ये बनाने ये मेंटेन करने में लगी है उसको वो कन्वर्ट करेगा एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में, कि इससे परे भी कुछ है। जब आप यहां हैं आपको बहुत प्रॉपर्टी पैसा बना तो करोगे क्या उसका?
एंजॉय तो करोगे, अगर एंजॉय कर रहे हो तो यहीं से तो कर रहे हो। एंजॉय ये करता है, ये थोड़ी करता है। तो नीचे भी फंसा है अगर, तो भी तो एंजॉय यही कर रहा, खाना तो इसने एंजॉय किया, इसने थोड़ी किया है। तो ये शिव है, ये स्वरूप बदल देता है। एक यहां होता है फायर चक्र पे, एक ऊपर होता है, ये स्वरूप बदलता है। भोजन का स्वरूप फ्यूल में बदल दिया, ईंधन बना दिया भोजन का, ये इन सब का ईंधन बना देता है और मनुष्य के जीवन में क्या लाता है, 99.99% जो भरे हुई स्पेस है उसमें शांति। ये एक नया वर्ल्ड है, सुख होता नहीं, दुख होता है, ज्यादा होता है और कम होता है, शांति कम और ज्यादा नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती है। हमारा मन ही तो शांत नहीं है, अरे संसार में लफड़ा तो यही है, मन शांत नहीं है। बच्चा हुआ डॉक्टर बनाया, मन शांत हुआ, नहीं हुआ तो फायदा क्या बनाने का। प्रेम किया मन शांत हुआ तो मजा है, अगर मजा ही नहीं आया, आपने कोई चीज खाई अब आग लग गई और खानी है तो फिर तो वो बर्बाद कर देगी। आपने खाई और तृप्त हो गए बस, तो आनंद आ गया। 99.99% स्पेस आपके आनंद से भर गई। कहां टच हुआ? ब्लिस बॉडी। ब्लिस बॉडी कहां है? ब्लिस बॉडी नेक्स्ट रेल्म। अंतिम शरीर एथरिक बॉडी, प्राणिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, ब्लिस बॉडी, अगर उसको हमने टच कर दिया तो हम किसमें? उस आनंद को तो ढूंढ रहे हैं। मजा आ गया यार। कई लोगों के बच्चों का झंझट होता है, बच्चे हुए, मजा आ गया यार, ये कहते हैं तो फायदा हुआ, शादी हो गई, पत्नी बोले, पति बोले, मजा आ गया, आनंद आ गया, तो फायदा नहीं, तो शादी करके अचार डाला। नौकरी मिल गई, 10वें दिन से रोना शुरू, फिर किस लिए की और बोले मजा आ गया। वो कौन बोलता है? जब ये हेड ऊपर होता है, ये सांप नीचे से ऊपर की ओर उठता है। जैसे ही आपके मन के विचार नीचे के ऊपर, नीचे से उठ के ऊपर की ओर जाएंगे ना, आपका हेड ऊपर चला जाएगा और आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, कुंडलिनी जागृत हो गई, समझो एनलाइटेंड हो गए, मजा आ गया। मजा एक बहुत सुंदर चीज रखी होती है दुकान में और हमें पागलपन होता है उसको लाने का घर, और घर लाके कहते हैं बड़ी बेकार, पिक्चर देखने को दीवाने हो रहे हैं, मूवी देख के आए, बोले बकवास, टाइम वेस्ट, कैसी इल्यूजन है, ये कौन बनाता है ये कि मजा आएगा। और वो कैसे होता है? जब ये सहस्रारा ऑन होता है। सहस्रारा कैसे होता है ऑन? जब लाइफ में साइलेंस होता है। आप जितना समय साइलेंस में होते हैं, इसका जबान का नहीं, चुप्पी इसकी, तब सहस्रारा ऑन होता है। क्योंकि ये चुप क्यों नहीं रहता? ये कभी यहां फंसा है, कभी यहां फंसा है, कभी यहां फंसा है, ये फंसा नीचे ही फंसा हुआ कहीं ना कहीं। जैसे ये साइलेंस मिला दिमाग का, उसी क्षण सहस्रारा ऑन, सिर्फ दो पेटल्स 1000 पंखे घुमा देते हैं। एस्ट्रल बॉडी ऑन। तीन नाड़ी होती है हमारी, सुषुम्ना नाड़ी होती है सेंटर में, जहां पर ये पूरा का पूरा सर्कल अलाइंड है, ये 7वां पॉइंट है उसका सहस्रारा पर। रूट चक्र के लेफ्ट साइड से उठती है नाड़ी इदा फीमेल, और इधर से उठती है पिंगला मेल। 7वां चक्र यहां लेंगे हम, 6ठे पे समाप्त होती है ये। रूट चक्र से लेफ्ट साइड से सारी फेमिनिन एनर्जी हमारी ट्रेवल करती है और ऊपर जाती है सांप की शक्ल में, थर्ड आई में टक्कर मार के फिनिश। यहां से राइट साइड पे जाती है ये, थर्ड आई में टक्कर मार के फिनिश। ये हॉट एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये माइनस है फीमेल, ये प्लस है पिंगला। नाम है मात्र मेल फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जो मेल तत्व है वो गर्म होता है, वो बर्न करता है मेटाबॉलिज्म, ये कूल होता है, ये ठंडा करती है बॉडी को। एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है, ये दोनों तब सही चलेंगी। कुछ लोग इमोशन में ही मर जाते हैं। हमारे जीवन का झंझट यह है, लॉजिकल ज्यादा है आदमी तो नर्क है जिंदगी, इलॉजिकली इमोशनल ज्यादा है स्त्री तो नर्क जिंदगी है। बैलेंस, जैसे ये दोनों बैलेंस होता है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही ठंडा गर्म तत्व सेट होता है बॉडी में, उसी क्षण ऊपर सेटिंग हो जाती है। आपको नजला बहुत रहता है, जुकाम ज्यादा जल्दी होता है, परेशानी है, इसका मतलब फीमेल तत्व आपके अंदर बहुत डोमिनेंटली चल रहा है और मेल तत्व डाउन है। तो वार्मनेस ऑफ बॉडी इज डिस्टर्ब, बॉडी की वार्मनेस डिस्टर्ब हो जाती है अपने आप। जब रात को हम सोते हैं
तो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल इधा पे काम करता है, यानी कोल्डनेस। राइट नॉस्ट्रिल सोने क्या सारा दिन, हम जब सांस लेते हैं तो लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल हमें इधा और राइट साइड का नॉस्ट्रिल पिंगला ये ब्रेथ देता है। तो इसलिए कहा जाता है लेफ्ट से सांस लेके अंदर लें, फिर रोके, फिर इसको बाहर भेजें। जो ये बंद करके नाक छोड़ा जाता है, दिस इज अनुलोम विलोम कहते हैं ना इसको। लेफ्ट साइड से सांस लिया राइट में, क्यों? पहले इधा ठंडा गया, उसको गर्म करके बॉडी बाहर निकालेगी। दैट इज टू करेक्ट द प्रेशर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट इज ऑल ब्रेथ, सांस मात्र के थ्रू हमारे दोनों नॉस्ट्रिल सेट हो जाते हैं। जब हम इससे भी और इससे भी सांस ले रहे हैं तो दोनों चल रहे हैं। जब लेफ्ट साइड की सांस चल रही है राइट ब्रेन काम कर रहा है, राइट साइड की नाक चल रही है लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। इमोशनली लॉजिकल डिसीजन लेते हैं लोग अगर लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल चल रहा है, अपने आप होता है। इसलिए दोनों चलें। आपको रात के समय नींद नहीं आ रही, यानी खोपड़ी खराब गर्म हो रखी है, बुरे हाल है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलिए, राइट कंधे पर सोइए, आपकी नाक लेफ्ट वाली ऑन हो जाएगी तो ठंडक आएगी शरीर में। आपको बहुत ज्यादा ढीलापन, सुस्ती, डिप्रेशन, कष्ट, नींद नहीं आ रही, लेफ्ट साइड सोइए, आपकी श्वास क्रिया गर्म शुरू हो जाएगी। गर्म हो जाने से डिप्रेशन गले ये फायर ऑन होगी ना, आपके अंदर की डिप्रेशन हटेगी, घटेगी। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होगा। हाँ जी, जेंट्स लेडीज तो शरीर है, ये तो क्रिया है शरीर के अंदर की। जब ये दोनों बैलेंस होंगी तो सहस्रारा ऑन हो जाएगा। जब आप पेट के बल सोते हैं तो पेट के बल सोते समय आपका रूट चक्र काम करता है, आपकी पूरी बॉडी रूट चक्र पे वाइब्रेट कर रही है। अक्सर लोग पैर में तकिया फंसा के या पैर पे पैर चढ़ा के अटका के सोते हैं, पैर का पंजा यूं अटका के किसी और के ऊपर पैर चढ़ा के सोते हैं, कोई अपने ऊपर पैर चढ़वा के सोता है, हाथ तकिए के नीचे डाल के सोते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्स चक्र काम करता है, उसमें पूरी बॉडी इस पर रूट वाइब्रेट कर रही है। जब आप पीठ के बल सो रहे हैं तो नाभि चक्र कार्य कर रहा है, मणिपुरा, इस पर पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। आप अपनी ये प्रॉब्लम्स मात्र रात के सोने से ही, सोना क्या होता है, रिपेयर, सारी रात में चक्र रिपेयर करते हैं, खुद को बैलेंस करते हैं, इंजन अलाइन होता है, सारी रात तो इंजन डिस्टर्ब है। सुबह उठे फिर डिस्टर्ब, ये कहां गया, नीचे फंसा हुआ, यहां तो है ही नहीं और यहां बैठ के रो रहा है, सबसे नीचे बैठ के रोता है। इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, सुखी हो जा मत सिखाओ, प्यार करना मत सिखाओ, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के चक्कर में प्यार और खुशी भी मार दो। अरे सुंदर बनाओ, प्यारा बनाओ, समझदार बनाओ, पढ़े लिखे बना रहे हो लल्लू, पढ़े लिखे और जिंदगी में फेल। जिस बच्चे के 90% मार्क्स आ गए 12th में और उसमें ईगो आ गई, वाओ, वो जिंदगी के एग्जाम में फेल है। IITN बन के जिंदगी के एग्जाम में फेल है वो बच्चा, और मम्मी पापा क्या करते हैं, आय शाबाश मेरा बच्चा, अब वो बच्चा भी फेल है। माँ बाप का बच्चा भी नहीं रहेगा सगा, क्योंकि उन्होंने उसको उस पर शाबाशी दे दी जैसे कोई बड़ा तोप चलाई। प्यार पे दी कभी शाबाशी, नहीं, दो रट पढ़ाई कर। खेलने पे दी कभी शाबाशी, ऐ खिलौने छोड़ो चलो पढ़ाई कर। बच्चा कहता है एक जगह के अलावा कभी प्यार नहीं मिलता, कभी शाबाशी नहीं मिलती, क्या है यार ये, नफरत है इस चीज से। अब उसकी बॉडी पढ़ती है, उसका मन नहीं, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया आपने, जिंदगी बदल डाली। अनपढ़ आदमी के अंडर पढ़ा लिखा काम करता है, ये लाइफ का असूल है, ये सिस्टम है। अब पढ़ा लिखा दिया, अब कुछ करने लायक नहीं छोड़ा, अब नौकरी कर, नौकर, नौकरी किस लिए, प्यार सिखाया नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं बच्चा गंगा जल दे दे माता पिता के मुंह में मरेंगे, कितना प्यार मिलता होगा अगर किसी बूढ़े माँ बाप को मरते हुए दिखे कि मेरा बेटा या बेटी पास में और गंगा जल दे रहा है, या मेरा बूढ़ा हाथ अपने जवान हाथों में पकड़ के प्यार से सहला रहा है। सोचिए क्या सुखद मौत होगी, जीना सफल हो गया, बच्चा होना सफल हो गया, उनके हाथ में हाथ देकर मरना सफल हो गया, क्या फायदा अन्यथा जीवन का। आपने डॉक्टर इंजीनियर के ऊपर सोचना ही कुछ नहीं, प्यार है आपके बच्चे को आपसे मरते हुए ये सिखाया नहीं, क्योंकि सब कुछ इसी से आइडेंटिफाई किया, शरीर ही सब कुछ है जीवन में, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, प्रॉपर्टी ही सब कुछ है, और जो जो सब कुछ बताया वो इस धरती पे रह जाना है,
मल मूत्र की तरह। जब आप लेफ्ट कंधे पर सोते हैं तो आपकी बॉडी हार्ट चक्र पे वाइब्रेट करती है। दिल को शांत करना और लेफ्ट कंधे सोइए। जब आप कभी लेफ्ट पे सोते हैं कभी राइट पे, तो थ्रोट चक्र पे बॉडी वाइब्रेट करती है। ये चक्के बॉडी के ऑन हो जाते हैं मात्र रिपेयर मैकेनिज्म से सोते हुए। तो बॉडी का रूट चक्र सेट करना हो तो पेट के बल सो लो शांति से, डिस्टर्ब करना हो तो पेट के बल सो लो अशांति से। पेट के बल सोने से ये चक्र ऑन होगा। शांति से सोना है, खूब वृद्धि होगी संसारिक चीजों में। अपने आप सोता है ऐसा व्यक्ति अक्सर पेट के बल। पेट के बल मीन्स एक पैर ऐसे चढ़ा के टेढ़े मेढ़े पेट के बल सोते ना लोग, वो अच्छी और बुरी नहीं होती। अगर अगर यहाँ ये शांत अपनी जगह है, ये ऊपर ही है, ये ऊपर है और आप पेट के बल सो रहे हो तो आपको संसारिक चीजें खूब मिलेंगी। अगर ये भी साथ में यहाँ पर है, दिमाग खराब है, टेंशन में, तो सब छिना हुआ है। तो ये नेचुरली शरीर वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आपके चक्र काम कर रहे हैं। आपका शरीर अपने आप दिखा देगा कौन सा चक्र क्या कर रहा है, वैसे ही सोओगे आप। योगा एक अलग चीज है, वो शरीर की क्रिया है। मेरा दिमाग आजकल इस चीज पे अपसेट है कि बेटा पैर पे पैर चढ़ा के सोने लगा है। रात को मेरे पैर पे पैर मार देता है, मेरे तकिए के नीचे हाथ डाल देता है। मैं कहता हूँ ओह मुझे बेड चेंज करना पड़ेगा। हम सारे बच्चे हैं, ऐसा 50 साल के बच्चे भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये शरीर है, शरीर शरीर की आयु अलग है, हम सब बच्चे हैं जी। आपने कहा बच्चों को ये सिखाओ ये मत सिखाओ, प्रॉब्लम सर ये कि हम बच्चों को सिखा नहीं सकते। जो बच्चे जो मेरे बच्चों वाले एज के बच्चे हैं उनको सिखाना बहुत मुश्किल है। जैसे कल रात में उठ के गई, दोनों बेटा घर पे आया 2 दिन के लिए, मैं रूम में गई 3:30 बजे उठी थी पानी पीने के लिए, तो उनकी कमरे की लाइट जली हुई थी, दोनों भाई बहन फोन पे लगे हुए नहीं सोए नहीं सोते। तुम क्या कर रहे हो यार, 3:30-4 बजने वाले हैं, ये मेरे मुंह से थोड़ी सी भाषा क्या निकल गई, मेरा दम बोल शुरू हुआ है और तुम अभी तक सोए नहीं हो, कब उठोगे? मैंने कहा ईश्वर ने सोने की रात बनाई हम अपनी। हमारे कॉलेज में हमारे सारा फ्रेंड सर्कल 150-200 बच्चा है, वो रात में जबकि काम करता है, दिन में सोता है, 11 बजे सो के उठता है, व्हाट इज द बिग डील? आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? आजकल की जनरेशन ऐसे ही रहती है और ऐसे रहने वाली है। आप कह लीजिए हम सुन लेंगे, पर उससे फर्क क्या पड़ेगा, हमें तो ऐसे रहने की आदत पड़ चुकी है। इसको कैसे सिखाएं? हम सिखा ही सकते हैं। यू डोंट नीड टू टीच इट। आपको ये सिखाना गलत है। आप क्यों सिखाना चाहते हो? आप सीखे हो तो खुद करते हो, ऐसा तो बहुत हो गया, बस दी एंड। तो फिर ये क्यों ऑन कर रहे हो? वाय क्यों सिखाएगी? बच्चों को माँ सिर्फ पैदा करेगी, प्यार करेगी, कभी नहीं सिखाएगी, कभी नहीं। बच्चा देखिए मैं बता देता हूं, जिस घर में पति और पत्नी में प्रेम है उस घर में पिता क्या चाहता है वो बच्चा माँ के साथ पिता का रिश्ता कैसा उससे सीखता है। माँ नहीं सिखाती, पिता सिखाता है। माँ वाया मीडिया है, पर क्या माँ पिता से सुनती सीखती है तो सीखेगा बच्चा, नहीं तो नहीं सीखेगा। माँ से प्यार ले लेगा, एंजॉय कर लेगा, माँ स्वार्थी होते हैं। यस यस यस, दिस इज एनफ, दिस इज एनफ। अब आप एक्स्ट्रा कुछ सिखाना चाहते हैं, इट हैज नथिंग टू डू। माँ प्यार करे, ऐसा प्यार करे बच्चा उसी में ब्लैकमेल होके रो जाए, हाय मेरी माँ। प्यार इतना भर दो कि उसमें करुणा हो, वो इसी ब्लैकमेलिंग। जितने लोग ये जेहादी बने वो क्यों बने पता है? रीजन माँ ने प्यार ही नहीं दिया। माँ का प्यार ही नहीं मिला, सारे जेहादी हैं, कत्ल मचाने को लगे हुए, आग लगी हुई है, प्यार सिखाया नहीं, पंपिंग ही नहीं की किसी ने प्यार की। वाइल्ड क्यों है बच्चे? क्योंकि मम्मी ने प्यार करना छोड़ दिया। जो स्त्री तत्व है इदा नाड़ी कूलिंग, ये कूलिंग देती है, शांति। शांति कहाँ? मम्मी शांत नहीं है एक्चुअली, मम्मी पापा बन चुकी है, पापा तो पापी है ही। फीमेल्स आर ट्राइंग टू बिकम हस्बैंड्स, डोंट डू दिस, अपना काम करो। बिकॉज ऑफ फियर के भविष्य खराब हो जाएगा। क्यों फियर है? तो
जिंदगी जी के एंजॉय क्यों नहीं करते, इन चक्करों में क्यों फंसे, गाड़ी ठुक गई तो छोटी सी बात, फिर एग्जांपल में क्यों आ गई, अभी फंसी हुई आपके रूट चक्कर में। लाइफ को एंजॉय करो, क्यों लड़ना। आप सिर्फ भविष्य के भय के कारण टोकते रोकते हो, इसके अलावा कभी टोकने रोकने का कोई रीजन नहीं है। आप फ्री छोड़ दोगे, जितने लोगों के माता पिता ने, मैं हमेशा और हर एक के लिए नहीं कहूँगा, कोई यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी नहीं होती, माता पिता ने बच्चों को फेंक दिया या लवारिस थे या कुछ नहीं किया या टोका रोका नहीं, वो बच्चे फैंटास्टिक उठे लाइफ के अंदर, या माँ नहीं थी या पिता नहीं था, रॉकेट जैसे बनते हैं, विचित्र बनते हैं, कुछ नए बनते हैं, क्योंकि वो बनते हैं जो उनका ये बताता है, वो नहीं बनते जो उनके माता पिता बताते हैं। लीडर्स बनोगे लाइफ में आप, विचित्र बनोगे, कुछ नए बनोगे जब यहाँ से बनोगे। हमारे पिताजी जल्लाद थे, हम तो ये कहते थे माँ कैसे रह गई इनके साथ, जब छोटे बच्चे थे ऐसा डर था, और माँ ने कभी डांटा ही नहीं, थप्पड़ मारना तो मतलब थप्पड़ मारना भी कभी होता है, भूल जाओ कि थप्पड़ मारने की कल्पना भी हो सके। और फादर का टेरर, और बाद में वो कैसे फादर क्या थे वो हमें समझ आया, हमने यही जाना कि माता पिता के चरण पूज लो, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद ले लो, नाम के आगे जी लगाएगी दुनिया हमेशा, आशीर्वाद जान लो, पैरों में नोट आके गिरेंगे। जब आप ये जान लेते हैं तो संसार चरणों में होता है, शरीर तो है ही नश्वर है, ये किसका जिंदा रहा है हमेशा, प्रेम रहा है, प्रेम करना ही नहीं आता माँ बाप को। इसकी पूरी क्लास होगी नहीं, प्यार कैसे करना है ये वाकई बहुत बड़ी कला है। आपके जीवन में आप सुखी हैं तो सुखी रहना कला है, आपको कला आ गई है सुखी रहना, अन्यथा संसार में इतना नाशवान चीजें हैं, सुखी रहना मजाक नहीं। आप बहुत बड़े योगी हैं यदि आपको जीवन में सुखी होना आ गया, खुद को सुखी कहना आ गया कि मुझे दुख से दुख नहीं होता, मेरे जीवन में सुख है और मैं भी सुखी हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं है और मैं भी दुखी नहीं हूं। लोगों के जीवन में दुख नहीं होता फिर भी कहते हैं आए बहुत दुखी है, विचित्र है विचित्र संसार में पागलपन लोगों का, 100 चीजें मिल गई अब एक नहीं मिली, बैठो एनालाइज करो यार 99 तो है एक नहीं मिली, किस रूप में दुख ना मिले। मेरी माँ को टेंशन थी, खाना नहीं खाता बेटा टाइम से, मैंने बैठ के आराम समझाया, मेरे बच्चे ये बता तुझे मुझसे दूसरे किस किस्म का दुख चाहिए, ये वाला पसंद नहीं है, तो एक दुख मिल रहा है बेटे से, अरे एक तो मिलेगा, मैं मर गया तो सिर्फ दुख मिलेगा, जिंदा हूं तो एक दुख तो मिलेगा, सुख तो होता नहीं ना संसार में, एक दुख ले ले किस टाइप का चाहिए। और बोले थैंक यू पापा, दफा हो जाए यहां से, यही ठीक है। इसको समझिए, जीवन में जो दुख मिल रहा है वो नशा है, वो जीवन जीने का कारण बना रखो। मृत्यु तो अपने चाल पर आएगी, हमारे चाहने से भी तो मौत नहीं होती, 36 बार मरने की सोच चुके सारे, कहां मरते हैं, मौत कहां आती है। अब प्रेम पहले खुद से करो, आपके अंदर स्वयं प्रेम की कमी है इसलिए ये चीज ऑन नहीं हो रही। तो किस लिए टोकते हो क्योंकि आप यहां फंसे हुए हो, कंप्लीशन की क्लास की थी पिछले हफ्ते है मैंने, उसको दोबारा से कर देखो, कंप्लीशन पूर्णता अपने अंदर आ जाएगी, आप किसी को भी टोकना समझाना छोड़ दोगे, स्वयं में आनंदित हो जाओगे। इन्हें करने दो, ये इनका कर्म है, इनका कर्म इनके साथ जाएगा, आपका कर्म आपके साथ जाएगा। मुझे ये बड़ी मजेदार मैं किस्सा के तौर पर बता रहा हूँ, अब मुझे अपना ही बोलना पड़ेगा, वैसे मैं उड़ा दूंगा ऐसे रिकॉर्डिंग से। मुझे मेरी वाइफ ने एक दिन बोला, मम्मी ने ये किया आपकी, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, मैंने कहा उनके कर्म, उन्होंने मेरी बुराई कर दी, मैंने कहा तेरे मुँह पे की, बोले नहीं उनको बोल के आइए माजन आंटी को। मैंने कहा तुझे तो नहीं बोला, नहीं उन्होंने ये किया, उन्होंने पाप किया है, भगवान नहीं देख रहा,
मैंने कहा आप पाप किया उनकी सजा में एड ऑन हो जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी कुछ कहा है, मेरी माँ है बुढ़िया हो रही है, मैं क्या करूं, सठिया गई सोच ले, बात खत्म। बोले नहीं उनका पाप है, मैं वैसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। मैंने कहा तेरे पाप है। बोली हाय मैं कैसे बदला लूं। मैंने कहा तेरे कर्म है, उसने गलत किया मेरी माँ ने, तूने करना तू भी कर ले। खाने में मिर्ची डाल दे बुढ़िया को, पता नहीं चलेगी चश्मा उतार देंगे हैं, ऐसा कर लेंगे। अब उसको ये टेंशन फंस गई, यार ये मेरे पाप हो जाएंगे। बोले मैं पाप क्यों करूं। मैंने कहा सेट हो गई दोनों बहने, पसंद हो। लफड़ा कहा है, जहां मैंने टोकना शुरू किया मैंने नर्क कर देनी है दोनों के साथ। सर हमारे यहाँ तो उल्टा है, वो जैसे वो कह रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं आप टोकते हैं तो वो शुरू होते हैं। मेरे घर में ये है, ये टोकती रहती है बेटे को, मैं कम टोकता हूँ तो ये मेरे को कहती है आप कुछ नहीं कहते। वाह, पर किस लिए कहे, जिंदा तो है सामने। अब मैं नहीं कहता तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा तंग करे तो बोलना ही पड़ेगा। तो किसे तंग करे, वो वैसे तंग करता है जिस प्रकार आपका माइंड ट्रेंड है। वेरी वेरी मजेदार, आपके अंदर चिंताएं हैं बस, आपकी ब्रह्म ग्रंथि ने क्रिएट कर दिया, विष्णु ग्रंथि मेंटेन करने को मरे जा रही है, शिव ग्रंथि ऑन कीजिए जो उसको चेंज करे। सोचो ब्लैक मिलर है मम्मी, ये आपने टीच कर दिया सबको। सोचो प्यार कितनी मजेदार, चुपचाप बैठ के प्यार किया, कुछ नहीं किया, जैसे कुछ नहीं किया बेटी ने खुद फोन कर, ये फैक्ट है। मेरी माँ ने रातों को 3 रात जागी जब मैं कभी लेट होने की कोशिश की, साथ पूरा जन्म बीत गया कहीं जाके राज्य नहीं। बुढ़िया ने ऐसा फंसाया, टाइम से घर पहुंचना पड़ता है। क्या करें, हाँ सूख रही होंगे, कितना सूखेंगी, धूप भी जा चुकी होती 6 बजे तो। प्रेम से ब्लैकमेल कीजिए, प्रेम बड़ी कमाल चीज है, करते कैसे हैं ये ट्रिक है, चलो लंबी क्लास हो जाएगी। हाँ जी आपका वाला बंदा बहुत पहले आपने क्लास में यूज बताया था, उसको मैंने यूज किया। सुबह स्कूल जा रही थी, थोड़ी तेज थी, एक सामने से बाइक वाला लड़का था छोटी एज का बिना हेलमेट के, उसने जंप करी रेड लाइट और मेरी गाड़ी से ऐसे बचा, मतलब ऐसे ही जाके वो करा और वो गिर गया। मुझे आगे ना उसने ऐसे करना शुरू करा, नजर नहीं आता आंटी आपको कैसे जा रहे हो क्या। मैंने कहा बेटा रेड लाइट को भी जंप करिए, बोलोगे भी और लड़ोगे भी, और मैं नहीं लड़ रही थी, आगे गैराज पे उसने गाड़ी रोकी और 4-5 लड़के खड़े हुए, उसने उनको कुछ जाके बोला, वो सब मेरी रास्ता रोके खड़े हो गए, रास्ता रोके खड़े हो गए। लाइक अ मूवी, लेकिन जैसे ही और तो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहता, कुछ याद है कुछ याद नहीं आ रहा, अब क्या करूं, कोई बात नहीं, कहते आज बाहर निकलो आंटी, क्या कहते बाहर निकलो, मैं बाहर आई, मैंने बिल्कुल माँ वाला रूप धारण किया, फटाफट ऐसे करके ऐसे बाहर से निकला। अच्छा त्रिशूल था कि फूल था, सब कुछ नहीं था, ओके, मां की ममता थी। 99% स्पेस करे भर के उठा के मारी बच्चे के ऊपर और बच्चा बेहोश। आई एक्सेप्ट मम्मी, ये देखिए कि आपके अंदर यदि आप लव इमोशंस लाते हैं आपका हार्ट चक्र ऑन हो जाता है, ये ऊपर की कोल्ड और नीचे के वार्म बैलेंस करने का काम करता है, ओनली एंड ओनली ओनली विद वन थिंग दैट इज लव, आप सब जीत सकते हैं। पति पत्नी का क्लेश क्यों होता है, दूरी क्यों होती है, ये चाहिए, ये खराब हो जाता है, क्यों, लव डिसअपीयर है, क्यों, टोका टोकी शुरू, जला रहे हैं, टोक 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 टोक, टोक।
प्रेम बिना उसके भी चलेगा। जो ड्रामा करके भी पति पत्नी चलते हैं वो झूठ पे जी के भी बड़ा अच्छी जिंदगी जीते हैं। अफेयर करता है आदमी बाहर, कृता किससे है? औरत से ही। तो हर घर की कहानी है, क्या हो रहा है उससे? शांति कायम रखने की अकल है तो शांति है, नहीं अकल है तो बर्बाद है। इट डजंट मेक डिफरेंस आप ड्रामा कर रहे हैं या आप सत्यता से कर रहे हैं। अगर आप वो कर रहे हैं, आपके चक्र अलाइन होकर आपका जीवन परिवर्तित करके सेट कर देंगे। जो चीज जहां नहीं मिल रही ना, बाहर से ले लो, क्लेश मत बनाओ। लेकिन सर एक बात पूछूं आपसे, इतनी सी बात से डायलॉग से यही मारा था मैंने कि बेटा तेरे बराबर बनेगा, अगर तू जाए चुराता तेरी माँ को क्या मुंह दिखाती बेटा, तू बच गया मेरे लिए ही बहुत है, ऐसे कि मैंने करा। और उसके बाद उन्होंने वैसे बातें करी है, वो जो कलस्टर नहीं होते उल्टे रखे हुए थे उनके वो बोरी बीच से तो बैठ के मैंने कटिंग चाय पी है आधे घंटे में, सब ने मेरे पैर छू के उधर किया मुझे वहां से, मैं आधे घंटे लेट पहुंची। लेकिन मैं रस्ते में ये सोचती थी मैंने ये कैसे किया होगा क्योंकि अचानक हुआ, कुछ कुछ याद। ऐसा आपने वो करा जो अनजान के साथ, 24 घंटे आप ऐसा अपने जानकार बच्चे के साथ करते ना, कभी करते काम कहाँ करते हैं? ये तो हम करते नहीं, इसीलिए बाहर वाली मम्मी अच्छी लगती है, मम्मी कितने प्यार से बात करती है, और हम भी दूसरे के बच्चे से बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारा बेटा अगर होगा पाप कहेगा दफा यहां से, नंबर तो लाया नहीं, दूसरे का आएगा भले ही फेल कहेगा आ बेटा राजा बेटा, पैर छूता बेटा आशीर्वाद, मम्मा ठीक है पापा ठीक, हमने अपने बच्चे से पूछा कभी बेटा तू ठीक है, बेटा फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं तेरे? अपना बच्चा बिहेवियर अनजानों की तरह क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि हम यहां फंसे हुए। यह हेड है ना मुंडी, ये सांप यहां 3.5 फेरे में कहते हैं कुंडलिनी में फंसा होता है, इसको ऊपर चढ़ाओ, हेड को हेड की जगह लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे टाइम सोचो इस हेड को नीचे नहीं जाने देना, ये तीनों चक्र खोपड़ी खराब कर देंगे, अपने आप जीवन में शांति आएगी। आज मैंने टॉपिक लेना था वैसे कि जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती उसके पीछे क्या रीजन है, पहले शादी लायक बना दो। वो भी होगा उसमें कई मल्टीपल, लेकिन समय अभाव है, ये टॉपिक अगली बार लेंगे, बाकी बची हुई क्लास नेक्स्ट टाइम लेते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।